हाँ अर्चित, शुरू किया जाए। सादर प्रणाम। आप प्रणाम सर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 105वें वर्ष स्थापना व्याख्यान श्रृंखला में आज हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गौरव प्रोफेसर मंगला राय सर हैं। सर, हम आपको पाकर गौरवान्वित हैं। ये एक बड़ा सुखद अवसर है जब स्थापना व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में हम प्रतिदिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उन गौरवों के साथ जुड़ते हैं जिनकी पहचान, जिनकी कुछ अपनी विशेषताओं के चलते पूरी दुनिया में संस्था का प्रचार प्रसार और फिर एक नई आभा, नई यशकीर्ति उनके जरिए पूरी दुनिया में पहुंच रही है, जहां से ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि यह व्यक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गौरव। गाजीपुर जिला एक उत्तर प्रदेश का जिला है और वहां से निकल करके काशी में आना विज्ञान का एक विद्यार्थी कृषि विज्ञान विषय में पढ़ाई के लिए आता है। 30 जून 1947 को आप गाजीपुर जिले में पैदा हुए और फिर वहां से काशी आपका आना स्कूलिंग के बाद और प्रथम वरीयता के साथ 1967 में इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, फिर उसके बाद 1969 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपने आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिली और फिर उसके बाद आपने यहाँ से परास्नातक की पढ़ाई पूरी की, फिर यूजीसी की फेलोशिप आपको मिली और 1973 में आपने यहाँ से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की और उसके बाद प्रोफेशनल करियर का जो स्टार्ट एक जूनियर प्लांट ब्रीडर के तौर पे 1973 से हुआ और वो आज मुझे ये कहने में गर्व हो रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक ऐसा गौरव जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर के रहे, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर के रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस और फॉर्मर वाइस चांसलर जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति के जीवन में इतनी ज्यादा उपलब्धियां, इतनी बड़ी उपलब्धियां हो और उसके बावजूद भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति के तौर पर आपके सामने आज एक जीवंत विग्रह, जिन्हें हम कहते हैं कि इस परिसर का, ये परिसर महामना का जीवंत विग्रह है, तो निश्चित तौर पे उस जीवंत विग्रह का एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे व्यक्तित्व में विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति है, वो हमारे सामने। एक बड़ी बात मैं बताऊं कि डॉक्टर मंगला राय सर को दुनिया के 15 विश्वविद्यालयों ने ऑनरिस काजा की उपाधि से नवाजा है। किसी के जीवन में एक विश्वविद्यालय द्वारा ऑनरिस काजा की उपलब्धि मिलती है तो वह अपने आप को धन्य समझता है। आज 15 विश्वविद्यालयों ने जिन्हें ऑनरिस काजा की उपाधि दी, निश्चित तौर पे वैसे विभूति को पाकर हम आज गौरवान्वित हैं और वो हमारे साथ है। मैं पूरा छात्र प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हमारी चेयरपर्सन प्रोफेसर सुशीला मैडम का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं आज के पुरातन गौरव जो हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर मंगला राय सर का। मैं अभिनंदन करता हूं, यह भी एक बड़ा पुनीत अवसर है जब मंगला राय सर के विद्यार्थी प्रोफेसर बी के मिश्रा जी जो इसी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर हैं और उनके साथ संवाद के लिए बैठे हुए, तो गुरु शिष्य की ये आत्मीयता, ये तादाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उसी परंपरागत जो विशेषताएं हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, गुरु और शिष्यों के बीच के जो अंतर संबंध है उसको फिर से एक मजबूत कड़ी के रूप में जोड़ने की कोशिश करेगा और वो हम देखेंगे जब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और कैसे वो आत्मीयता किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ, किसी भी संस्था के निर्माण की तरफ, उसके पुनर्निर्माण की तरफ हमको फिर से अग्रसर आगे लेकर के जाती है। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर बीके सिंह सर का जो आज संवाद करने के लिए अपने गुरु के साथ बैठे हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन गौरव के साथ बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे आप भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि आपके गुरु के संसर्ग संपर्क और सानिध्य में फिर से आज बातचीत करने का ये एक अवसर है। तो मैं निवेदन करता हूँ अपनी चेयरपर्सन पूरा छात्र प्रकोष्ठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अध्यक्षा प्रोफेसर सुशीला सिंह मैडम से कि आप आज के हमारे गौरव प्रोफेसर मंगला राय सर का स्वागत उद्बोधन करें।
नमस्कार सर, प्रोफेसर मंगला राय सर, प्रणाम। महामना को नमन करते हुए आज बहुत ही गौरव का दिन है जो हम अपने पूरा छात्र प्रोफेसर मंगला राय जी का स्वागत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के 105 वर्ष पूरे होने पर ये जो अद्भुत फाउंडेशन लेक्चर सीरीज जो स्थापना व्याख्यान माला शुरू हुई है उसके अंतर्गत, तो सर ऑन बिहाफ ऑफ द अलुमनाई सेल ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी BHU कनेक्ट इनिशिएटिव, BHU पीपल एंड ऑन माई पर्सनल बिहाफ आई डीम इट एन ऑनर टू वेलकम डॉक्टर मंगला राय जी। डॉक्टर मंगला राय जी सीनियर FNAAS and former Secretary DARE and Director General of Indian Council of Agricultural Research, Dr. Rai is our distinguished alumnus, albeit luminary. Alma Mater proud. Sir, BHU Parivar is delighted to have you to deliver BHU Foundation lecture on the historic occasion of 105th year celebration of the university. We welcome all who are participating in the lecture series. And we welcome our young students and members of the media. I may mention here and thank Dr. Dhirendra Rai, coordinator BHU Connect of the alumni cell, and his team who have put in their heart and soul in organizing the BHU Foundation lecture series. Once again, sir, we welcome and thank the eminent speaker, our BHU Mangala Rai ji, for being with his alma mater today. Thank you all. Pranam sir, namaskar. Bahar ma'am. जब कल सर से बात हो रही थी तो बड़ा हिचक और संकोच के साथ आमंत्रण के बाद हमने सर को निवेदित किया। सर आपको बताऊं कि यही संकोच तब था जब प्रोफेसर सुशीला सिंह मैडम ने एक साल पहले ये कहा कि धीरेंद्र एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूं और ये जिम्मेदारी तुमको निभाना है। मैंने बड़ा भावुक होकर के कहा था कि मैम अभी विश्वविद्यालय में मैं नया हूं, नया प्राध्यापक हूं और ठीक है आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी किसी सीनियर फैकल्टी मेंबर के पास होनी चाहिए। मैम ने कहा कि दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो नई जनरेशन के लोग हैं वो टेक्नो फ्रेंडली हैं और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि आप में वह सामर्थ है, आप करेंगे और इसके बाद मैं आपसे कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, इसे मेरा आदेश समझिए। बड़े होने के नाते मैं कुछ कह रही हूँ और मैं वाइस चांसलर साहब से बात करूंगी और मैं चिट्ठी लिखती हूँ कि एक एलुमनाई कनेक्ट का सेटअप डाला जाए।
मैम ने एलुमनाई कनेक्ट का सेटअप डाला, कोऑर्डिनेटर बनाया और फिर हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट भेजी यूजीसी को। जी जी सर आपको जानकर के ये बड़ा सुखद अनुभव होगा कि एक वर्ष बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश भर के सारे राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय को वही जो हम लोगों ने प्रपोजल भेजा था और जो हम लोगों ने रिपोर्ट भेजी थी उस रिपोर्ट के आधार पर सबको ये कहा कि सबके यहाँ एलुमनाई कनेक्ट नाम का सेटअप होना मस्ट है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश का एक अग्रणी और शीर्ष संस्थान है और निश्चित तौर पर शिक्षा की दिशा का निर्धारण आने वाले भविष्य में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से अगुआ के तौर पे होगा और यह अनुभव और उसकी अनुभूति हम सभी लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार मैम। ऊर्जा तो आप हैं जी, आगे ले जाना है विद्यालय को जी। थैंक यू मैम। अब हम लोग जुड़े गाजीपुर से बनारस के बीच का जो शहर और गांव का फासला है, एक व्यक्ति जब ग्रामीण परिवेश से किसान परिवार से निकलता है और शहर के साथ जब वह जुड़ता है अचानक और फिर शहर की आधुनिक चकाचौंध और गांव की वह पृष्ठभूमि जहां अभाव के दौर से बहुत सारी चीजों के बीच अपना जीवन गुजर रहा, उन सब के बीच की बहुत सारी स्मृतियां होंगी जो आपके जहन में होंगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आना और फिर प्रथम वरीयता के साथ पास होना, घर के लोगों का एक आपके प्रति जो रिएक्शन है, घर के लोगों की जो प्रतिक्रिया होगी और फिर उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपका पीजी में एडमिशन होना, फिर 1973 तब के जमाने में फेलोशिप बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता था, अब तो खैर यूजीसी की जितनी फेलोशिप होती है बहुत एक संख्या भी उसकी बढ़ी है जो बहुत सारे लोगों को मिलने लगी है, लेकिन तब गिने चुने ऐसे लोग हुआ करते होंगे, उन सब के बीच से वो फेलोशिप मिलना और फिर फेलोशिप की पढ़ाई से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना, परिवार के ऊपर उस तरीके का बोझ न बन पाना जैसे लगातार ये होता है कि शिक्षा और पठन पाठन को लेकर के अभिभावकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चे की परवरिश कैसे करें। तो उस पूरे परिवेश में, उन सारी परिस्थितियों के बीच जो आपके अध्ययन अध्यापन का समय है और फिर उसके बाद बहुत सारे दायित्वों का जो आपने निर्वहन किया, उन दायित्वों के निर्वाह में आपकी विनम्रता, आपकी सादगी, लगातार आपके साथ एक एक उपलब्धियां जुड़ती गई और मुझे लगता है कि वह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि वह हमारी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उपलब्धि है और उससे हम सब गौरवान्वित होते हैं। आपके साथ कुछ भी नया जुड़ता है तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ उसी मनके के माले की तरह जुड़ता है जिससे चुन चुन कर एक संस्था का निर्माण महामना ने किया था और उसी आदर्शों और संकल्पना के साथ आप एक प्रतिमान और प्रतिमूर्ति जिसे हम सादगी क्या कह सकते हैं, विद्वत्ता सबके पास होती है लेकिन उस विद्वत्ता का लगातार उसको प्रमाणित करना, लगातार उसको दिखाने के बीच जो आपकी सादगी है वह सबको आकर्षित करते, मुझे लगता है कि आज के अध्यापक और खास करके विद्यार्थियों से यह प्रेरणा आपको एक बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। तो मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर डीके मिश्रा सर से कि आप बातचीत का सिलसिला शुरू करें और ये बहुत सारी स्मृतियां जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो सारी बातचीत हमारी बातचीत में निकल करके आएंगे और हमें लगेगा कि हर वह नौजवान जो गांव से निकल करके शहर आता है और उसके पढ़ने और उसके बीच उसके जो सपने होते हैं उन सपनों के साकार होने का जो पूरा का पूरा एक क्षण है उस क्षण को हम प्रोफेसर मंगला राय सर के साथ जिएंगे, उसको जानेंगे, आपकी स्मृतियां साझा होंगी और हमारा मार्गदर्शन। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर। धीरेन्द्र जी मुझे मौका देने के लिए, और जो मुझे शुरू करना था वो आपने ही पूरा शुरू कर दिया। तो सर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार और विशेष रूप से पूरा छात्र प्रकोष्ठ की तरफ से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए ये मैं बताना चाहता हूं कि मेरे लिए गौरव की बात है कि आज हम अपने गुरु जी के साथ बैठे हुए हैं और मैंने आप ही के निर्देशन में शोध कार्य संपन्न किया, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। जब आप कानपुर में अखिल भारतीय अलसी परियोजना के समन्वयक थे, कोऑर्डिनेटर थे, तो मैंने आपके निर्देशन में शोध कार्य अपना पूरा किया था। तो सर एक बार आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और ये जो इस समय मुझे लगता है कि आपके भी कुछ साथी, साथ पढ़े हुए लोग, आपके जूनियर सीनियर भी हो सकते हैं और साथ में इस समय अनेकों छात्र जो सभी संकायों से लोग हैं वो आपको देख रहे हैं और इस चर्चा को सुन रहे हैं,
और मुझे लगता है कि सर जब मैं शोध कार्य कर रहा था उसी के आसपास 2003 में, जब आपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और सेक्रेटरी डीयर का पदभार संभाला था, तो मुझे लगता है कि महामना जी की आत्मा बहुत हर्षित हुई होगी, क्योंकि महामना ने जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसके मूल में, क्योंकि उस समय इलाहाबाद और मद्रास और कोलकाता विश्वविद्यालय चल रहे थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसे छात्रों के निर्माण की कल्पना की थी कि जो स्वतंत्रता के बाद भारत को एक दिशा देख सके, एक नेतृत्व कर सके। तो जब हमारे इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कोई मानस पुत्र, मालवीय जी के मानस पुत्र, जब किसी कृषि विज्ञान को आप दिशा देने की स्थिति में जब आप पहुंचे होंगे, तो निश्चित रूप से ये पूरे हमारे इस परिवार के लिए, मालवीय जी की बगिया के लिए, हम सभी के लिए, और यहाँ तक कि मालवीय जी की आत्मा भी बहुत प्रसन्न हुई होगी। इसके लिए हम सब बहुत गौरव महसूस करते हैं कि सर आपके साथ आज हमें कुछ समय बिताने का मेरा सौभाग्य मिला हुआ है। सर 1967 में जब आपने गाजीपुर के ग्रामीण परिवेश से आकर जब आपने पहला दिन कदम रखा होगा, तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के भाव विभोर हो जाते हैं। तो आपको क्या प्रेरणा मिली कि आपने, क्योंकि यहाँ सभी संकाय, मालवीय जी ने सभी छात्रों के लिए सभी संकायों की व्यवस्था की है, तो कृषि में आने के लिए कोई विशेष आपको प्रेरणा मिली थी? प्रोफेसर सुशीला जी, वीके मिश्रा जी, भाई धीरेंद्र जी, सर्वप्रथम आमंत्रण के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मिश्रा जी, आपने पूछा कि कृषि में कैसे आ गए, कोई प्रेरणा मिली क्या? मैं नहीं जानता कि मैं कृषि में क्यों आया। उस समय, क्योंकि जब मैं 8-9 वर्ष का था तभी मेरे पिता का देहावसान हो गया, और गांव का जो माहौल था, बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो बगल में मलिकपुरा एक स्कूल खुला था जिसमें पहली बार जो है एग्रीकल्चर हाई स्कूल में था, तो हम नहीं जानते क्यों हमने उसमें एडमिशन ले लिया, लेकिन हम नहीं जानते क्यों, और वो एक चलता रहा। ग्रामीण परिवेश था तो गाजीपुर में जो है, क्योंकि बहुत जानकारी नहीं थी, रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे, तो वहां हमने BSCAG में एडमिशन ले लिया। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि परिचय होता है ना छात्रों का, तो क्लास में परिचय शुरू कराया गया, तो मैं दुबला पतला था ही, लंबाई जितनी अब है उतनी तब भी थी, लेकिन दुबला पतला तब बहुत था। तो जैसे ही मैंने मंगला राय अपना नाम कहा, अनायास एक बहुत जोर का ठहाका पूरे क्लास में लग गया और मैं स्तब्ध था। थोड़ी देर में समझ गया मैं कि गाजीपुर जनपद के ही मंगला राय तो सितारे हिंद थे, और एक ये मंगला राय हैं जो इतने दुबले पतले हैं, इसीलिए अनायास ही जो है ये ठहाका लग गया। और वहां पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने शिक्षकों का, गुरुजनों का, बहुत पढ़ाई, बच्चे की तरह प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान वहां आया, ये महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि कहीं और पढ़ना। तो तीन ही जगह था, पंतनगर देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्टेब्लिश हुआ था, तो वहां हमने प्लांट ब्रीडिंग में अप्लाई किया। पत्थर कॉलेज दो हैं, ये पत्थर कॉलेज कानपुर में और लाल पत्थर कॉलेज लायलपुर पाकिस्तान में, वो भी बड़ा फेमस एग्रीकल्चर का कॉलेज, अनडिवाइडेड इंडिया में ही बने थे। तो पत्थर कॉलेज में एग्रीकल्चर बाटनी में कर दिया, और यहां भी पहले एग्रीकल्चर बाटनी ही था एग्रीकल्चर फैकल्टी में,
और 2 साल में एक बार इम्तहान होता था मास्टर्स डिग्री में, सेमेस्टर की तो बात छोड़िए, 2 साल में एक बार होता था फाइनल एग्जाम। तो एग्रीकल्चर बॉटनी से पहला साल था कि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में खुला, और सेमेस्टर सिस्टम उसी साल से वहां लागू होने की बात थी, पर वो ऐसा सेमेस्टर सिस्टम आज की तरह नहीं था, वो मॉडिफाइड सेमेस्टर सिस्टम था, उसमें परसेंटेज वगैरह में नंबर मिलते थे, और वही पुराना ढरला था जिसको 60% मिल जाए तो समझो कि बहुत बड़ी बात थी। अब प्रश्न है कि तीनों जगह अप्लाई किए, तीनों जगह एडमिशन हो गया। अब वो चिट्ठी आई तो अब परेशानी हुई कि भाई कहां जाए, कोई बताने वाला तो था नहीं, कि तो खुद ही सोचना था। और पहली बार में बनारस उसी समय आया, तो पहली संध्या को मैं विश्वनाथ मंदिर, जो आपका नया विश्वनाथ नहीं, हाँ बिरला मंदिर दिए चुके हैं, तो उसमें लान पहले बहुत सुंदर हुआ करते थे, तो यही चिंतन मनन चल रहा था, कोई बताने वाला था नहीं, कोई मिल गया तो पूछ लिया, समझ में आ नहीं रहा था। तो लान में मैं शाम को 6:30 के आसपास आया और मेरे को नींद आने लगी। 7:30 बजे वो जो आरती जब होती है, जब वो घंटा बजा जी, तो एक अद्भुत दृश्य जो है उपस्थित हुआ, और बस तुरंत मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं यहीं पढ़ूंगा। तो इसकी वजह से ये निर्णय हुआ कि मैं यहां पढ़ूंगा। और दूसरे दिन हम सेंट्रल ऑफिस गए, और उस समय तिवारी जी हुआ करते थे, क्या मेमोरी, विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र है जिसका नाम उन्हें याद नहीं है, और उसको क्या फेलोशिप मिलती है, कब तक दी हुआ है, कब तक मिला है, सब चीज उनको याद रहता था, ऐसी ऐसी विभूतियां वो सेंट्रल ऑफिस में थे। तो फीस जमा हो गई, यहां पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद अब हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे, अंग्रेजी में यहां पढ़ाई होती थी, क्विज हो रहा है, आवरली हो रहा है, रोज इम्तहान हो रहा है, तो वो चीज जो है बहुत सारी चीजें दिमाग के ऊपर से निकल जाती थी मिश्रा जी। तो बहुत परफॉर्मेंस पहला सेमेस्टर में बहुत ठीक नहीं था, और मैंने जैसे आपको बताया ही कि नंबर आज की तरह नंबर नहीं मिलते थे जी। तो जिसके साथ में अलाट हुआ, थेसिस हुआ करती थी, तो 2 छात्र उनके साथ अलाट हुए थे। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आई हैव नो प्रॉब्लम फॉर यू, आप कोई दूसरा सुपरवाइजर जो है ले ले। अब सुपरवाइजर तो भाई हेड के यहां से ही होता है, कौन रहेगा एमएससी में। और आप ये समझे मिश्रा जी, क्योंकि मैं छात्रों से बात कर रहा हूं, सहयोगियों से बात कर रहा हूं, इसलिए जो मन पर बीतती है वही बहुत दुख हुआ। इतना कष्ट मेरे को शायद उसके पहले जीवन में कभी नहीं हुआ, और वो इसलिए कष्ट ज्यादा था कि मुझे उनके कहने के अंदाज से ये लग गया था कि वो मुझे ठीक छात्र नहीं समझते। अब भाई हतोत्साहित तो मैं हुआ ही, इसलिए शिक्षकों को कहूंगा कभी अपने बच्चों का उत्साह जो है कम ना करें, ठंडा ना करें। तो मैं सीधे मन दुखी था, मुंह लटकाए हुए मैं हेड के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि मैं नीडर बचपन से हूं, और जा करके मैंने कहा कि सर उन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे कहा है। तो बिना उनके कुछ कहे मैंने एक बात और कह दी, सर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ठीक छात्र नहीं समझते, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे नंबर ये पहले सेमेस्टर में नहीं आए। उन्होंने मेरे को आगे नहीं कहने दिया कुछ, बोला अरे कौन कहता है, तुम हमारे अंडर रहो। तो मैं
लेक्चरर साहबान के यहां से सीधे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच गया एमएससी थीसिस के, और उन्होंने उसी समय कह दिया कि तुम्हारा जो मन करेगा वो करना, चिंता मत करो, आई एम विद यू। तो जाओ लाइब्रेरी में, सोचो क्या करोगे, अपना प्रॉब्लम खोजो। ये मुझे बहुत पसंद आया और वहां से कुछ शुरुआत हुई। पूरे 1.25 साल तक हमारे सुपरवाइजर ने हमसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। इसने जो है एक गुरुतर उत्तरदायित्व दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। पर जो लोग मुझे जानते हैं, मैं जब नौकरी में भी करता था तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि मैं बहुत सीरियस बात पर भी हंसता रहता था। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो फाइनल में वाइवा बोस हो रहा था, तो उसे सवाल पूछा जाए, मैं जवाब तो सही दूं, क्योंकि तब तक तो मैं हर सेमेस्टर में भाइयों को पीछे छोड़ता गया था, क्योंकि जब मेरे को थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझ में आने लगी जी, एक सेमेस्टर में दिक्कत होती है, एक सेमेस्टर में तो बहुत दिक्कत हुई मिश्रा जी, तो मैं जवाब दूं और हंस दूं, ये तो मेरा नेचर था। पर उनको लगा कि मैं उनके ऊपर हंस रहा हूं। आप सोचिए एक बार, इतने वो नाराज हुए कि उन्होंने जो है हमारे सुपरवाइजर को कहा कि यू सी सर ही इज लाफिंग। और जहां तक मेरे को पता है 25 नंबर में उन्होंने 5 नंबर मेरे को टिका दिया। अरे पर मिश्रा जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे सुपरवाइजर ने, जो उनके भी बास शिक्षक रह चुके थे, उन्होंने कभी नहीं कहा न इंटरफियर किया। इस बात ने मेरे को जीवन में एक बहुत बड़ी चीज सिखा दी कि शिक्षक क्या होता है और उसका अपने शिष्य पर क्या भरोसा होता है। अब पीएचडी आया, मैंने भी देखा कि अगर, तो मैंने कहा कि जब करूंगा तो अब आप ही के अंदर पीएचडी करूंगा। दास साहब डॉक्टर कुमिराभी रामदास जी, जी आसाम के थे। हाँ जी जी, क्योंकि उन्होंने हम जिस छात्र की ये मदद की हो, मैंने कहा अगर पीएचडी करूंगा जिंदगी में तो आप ही के साथ करूंगा, नहीं तो। और तो बोले हमारे पास तो जगह नहीं है। उस समय होता था ना प्रोफेसर को 6-4 आज भी भरी हुई है 6 महीना बाद। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, 6 महीना बाद रजिस्ट्रेशन। तो मैंने उनके अंदर शुरू किया। और दो चीजें मैं आपको कहना नहीं भूलूंगा, और ये मैं छात्रों को भी कह रहा हूं। मैंने काम किया, बीच में उन्होंने देखा कि ये तो घूम बहुत रहा है, और बात सही थी, मेरी शादी भी हो गई थी, मेरी मिसेज भी यहीं पर थी, वो भी उन्होंने संस्कृत में पीएचडी किया, तो मैं घूम तो रहा था, ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि हैव यू डन इट, कुछ कैलकुलेशन था। अब भाई देखो, छक्का मारने की तो आदत पहले थी, बाद में छूट गई मिश्रा। तो हमने कहा यस सर, नो सर तो होता ही नहीं था उस जमाने में, यस सर। तुमने कहा कल 10 बजे ले आना, अब तो मेरी हवाई उड़ गई कि मैंने तो ये किया नहीं है। और था वो प्रॉबिट एनालिसिस का, डिफरेंट एलडी डोजेस जो कैलकुलेट करने थे, वो कैलकुलेशन मेरा जहां तक ख्याल है कि 15 दिन में, अगर मैं 8-9-10 घंटे रोज काम करता तो 15 दिन में वो कैलकुलेशन होना था, किया तो कुछ नहीं। तो मैंने अपने मित्र से कहा, उनका नाम डॉक्टर गणेश प्रसाद मौर्या है, मैंने कहा भाई ऐसा है, वो मेरे बड़े परम मित्र जी जी, मैंने कहा भाई कल मैं जो हूं घर चला जाऊंगा सुबह, अब तो मैं पीएचडी करने से रहा। बोले क्या हुआ? मैंने कहा, उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा, मैंने ये कह दिया, मैंने किया तो है नहीं, तो मैं क्या कल दिखाऊंगा, तो मुंह नहीं दिखाऊंगा, घर चला जाऊंगा। वो बोले कि नहीं नहीं प्रयास करते हैं। मैंने कहा क्या प्रयास करते हैं भाई, जो 15 दिन 60-70 घंटे जिसमें लगने हैं वो कैसे होगा रात भर में? उन्होंने कहा नहीं, प्रयास तो करते हैं।
तो उस समय डिपार्टमेंट में सिर्फ एक फैसिक मशीन हुआ करती थी और एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, खरखर खरखर जो लंबी टाइपराइटर की तरह चलती थी, साइक्लो स्टाइल कर दे, साइक्लो स्टाइल तो हम खाना नहीं खाए। एसआर के हॉस्टल में हम लोग रहते थे, एक मशीन पर वो बैठे, एक मशीन पर मैं बैठा। अभी मैं जब बात कर रहा हूं तब मुझे एहसास आ रहा है कि मेरे बाजुओं में कितना दम आ गया था कि पर्सनल काल के लिए भी, भोजन तो छोड़ दीजिए, पर्सनल काल के लिए भी उस रात में हम लोग उठे नहीं, और यह हाथ चलता ही रहा और मेरे मित्र भी जो हैं दूसरी मशीन पर वो कर रहे थे, हमने काम बांटा। और दूसरे दिन सुबह 8 होते होते पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो 15 दिन में होता वो पूरा हो गया था। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं आया, स्नान किया और उसके बाद वो पूरा बंडल बांधा और 10 बजे शेर की तरह पहुंचा। जब कमरे में गया तो डॉक्टर दास ऐसे नजर उठा के ऊपर देखे, बाद में मैंने देखा मेरी लाखें जो है लाल लाल इतनी बड़ी हुई थी, और धीरे से मुड़ी नीचे किए, मुस्कुराए और बोले थैंक यू, यू कैन गो। उन्होंने नहीं पूछा, वो जान गए कि ये काम किया है तभी ये आया है, लेकिन उसने मेरे अंदर इतना विश्वास भर दिया कि असंभव नाम की कोई चीज है नहीं। अब थेसिस हो गई, आपकी थेसिस को मैंने कब देखा और कितने दिन में दिया? जी जी, दो दिन में, दो दिन, क्योंकि शुक्रवार को 4 बजे हमने कृषि भवन में से उठे, घर गए, और संडे को शाम के 4 बजे मैंने टाइप करके आपका सर्टिफिकेट दे दिया था। ये बात और है कि आपने अच्छा लिखा था, पर ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरे सुपरवाइजर ने मेरी थेसिस 3 दिन और 4 दिन में किया था, जी, 3 रात और 4 दिन। जो छात्र होंगे उन्हें मैं बताना ये चाहता हूं कि उन दिनों हाथ से लिखते थे और टाइप करना पड़ता था, अरोरा जी टाइप करते थे, 2-4 लोग ही अच्छे टाइपिस्ट थे जो पीएचडी की थेसिस टाइप करते थे। तो सुबह 8 बजे जाना होता था, गुरुधाम कॉलोनी में निवास था, तो 8 बजे का मतलब अगर कि एक लाल कलम, एक हरी, एक ब्लू खोल के रखी होगी और आप जाएंगे और उधर बैठ जाएंगे, 1 मिनट लेट नहीं हो सकते, क्योंकि बिल्कुल बैठे हुए हैं और कलम खुली हुई है, आप जैसे जाएंगे जो है आप दे देंगे और आपके लिए चाय वगैरह आ जाएगी। लंच वहीं पर होता था और 7 बजे शाम तक करेक्शन। उसके बाद मिश्रा जी जानते हैं क्या होता था, कैन यू मेक इट फेयर, और उसका उत्तर यही होगा यस सर। अब हाथ का लिखा है, हाथ से फेयर करना है। अब 12 घंटे अगर करेक्शन हुआ है 11 घंटे तो 11 12 घंटे फेयर करना, क्योंकि सुबह लेके जाना, तो आके फिर लिखना शुरू। साइकिल से आना होता था, सुबह फिर जाना। तो 3 रात और 4 दिन, तो जो फेयर होके दूसरे दिन आ जाता था उसको एक बार देखने के बाद वो टाइप होता था, तो 4th दिन थीसिस जो है बाइंड ओइंड होके आ गई। तो उसी समय मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मेरा जो स्टूडेंट होगा तो मैं उसका 1/2 टाइम में उस थीसिस करूंगा। निश्चित रूप से आज मैं ये डाइवर्ज कर रहा हूं, ये बहुत सारी जो स्टोरीज आपको बता रहा हूं, ये अनटोल्ड स्टोरी बता रहा हूं आपको। दर्शकों को मैं बता दूं कि जब मेरा शोध कार्य समाप्त हो गया उसी समय आप चले गए थे दिल्ली आईसीआर में उप महानिदेशक पद पर, तो मैं अंतिम 2 दिन के लिए आपके घर रुका और 2 दिन आप उठे नहीं, उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे रहे और करेक्शन करते रहे
और मैं बैठा रहा, खाना साथ में खाया, नाश्ता किया, तो वो मैं उसको भूल नहीं सकता उस पल को। तो 3 रात 4 दिन जी। पर मिश्रा जी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो रात में मैंने कैलकुलेशन किया था तो मेरी आंखें सूज गई थी, बड़ी बड़ी लाल हो गई थी, कि 3 दिन और 4 रात लगातार 1 मिनट नहीं सोने के बाद मैं उतना ही फ्रेश था जितना पहले दिन था। ये अंतर है। एक मानव में असीम शक्ति है, और जब फुलफिलमेंट आपका काम में होता है, सेटिस्फैक्शन जब होता सेटिस्फेक्शन है, तो वो आपका एनर्जी भर देता है, एनर्जी से भर देता है। भर देता पर अब उसके बाद की बात को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मानता हूं, जो मैंने किसी को बताया नहीं। दो चीजें अब बता दूंगा सबको, बिल्कुल सर, इसीलिए सब लोग सुन रहे हैं। हम चले गुरुधाम हाँ कॉलोनी से। वाइंड होने के बाद जब जमा होने थेसिस चली गई, तो मैं जाके जब पैर छुआ तो उन्होंने कहा कि लेट अस गो टू द टेम्पल। तो दुर्गा जो टेम्पल है, शाम का वक्त था, हम चले, आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं। उस समय तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी ना कि अपने जी प्रोफेसर से कोई बहुत जी बात करे। जी तो वो 100-200 मीटर चलने के बाद वो मुड़े, और मुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि माय बॉय, यू आर ए ड्रॉप इन द ओशन, बट यू हैव टू हैव योर आइडेंटिटी देयर। मैं इसको अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मानता हूं, कि तुम इस विश्व में एक बूंद के सदृश हो, समुद्र में एक बूंद के सदृश हो, लेकिन समुद्र में भी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी है। इसे मैं बहुत बड़ी शिक्षा मानता हूं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर दे सकता। मैंने उसको आत्मसात किया, थोड़ा आगे चला, फिर वो मुड़े, और मुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि इफ यू हैव टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर डेज टुगेदर, एंड इफ यू हैव टू स्पीक आवर्स टुगेदर, यू नीड नॉट प्रिपेयर एट ऑल। इसलिए मिश्रा जी कभी कभी मैं दो दो चार चार घंटे भी बोल लेता हाँ हूं, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, और कागज कलम पेंसिल मैं नहीं जरूरत कभी नहीं यूज है। नहीं करता। जी, पर मुझे याद है एक बार 5 मिनट बोलने के लिए मैंने 21 दिन तैयारी की थी, और वो तैयारी किसी का लिखा हुआ नहीं। जब आपने 2003 में मैं कहा कि मैं सेक्रेटरी और डीजी बन गया था, तो जैसे ही बना वैसे ही आ गया कि एक त्रिशेट यहां से उठ के और चला जाएगा दूसरे कॉन्टिनेंट पर, अच्छा हैदराबाद से, मैं इंडिया से। इंडिया से चला जाएगा। यह बहुत बड़ा शॉक था। हाँ जी, एक ICG सेंटर है एक ही भारत सीजी सेंटर भारत में था, में। और वो चला जाएगा। उसकी रिपोर्ट आ गई, वो एक्सेप्ट हो गई, तो फाइनल वोटिंग के लिए नैरोबी में 66 कंट्रीज जी उसके मेंबर थे। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, तो उसके लिए मैंने 21 दिन तैयारी की थी स्वयं, और उसमें मैंने 5-6-7 सवाल बस मात्र पूछे थे, और सबकी डांट लगाई थी फैक्ट फिगर से, और मैंने कहा ये सेंटर ले जाओ। अब जानते हैं उसमें क्या हुआ, 4.5 मिनट ही बोला था। उसके बाद चेयरमैन ने कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि ऐसा विचार और ऐसी रिपोर्ट आई, और वो वहीं का वहीं खत्म हो गया, क्योंकि मैंने शुरुआत ही यहां से की थी। 21 दिन कैसे लगा, मैंने वो चीजें खोजी, जैसे मैंने प्रश्न पहला शुरुआती यहां से किया कि दुनिया की वो जगह मेरे को बता दो जो एक फार्म में ब्लैक रेड और लेटराइट सॉइल हो। हैदराबाद फार्म में आप देखेंगे कि एक ही जो 2000 जी ब्लैक
ब्लैक सॉइल भी है, रेड भी है, लेटराइट भी है, तो रिसर्च के लिए वहां से मैंने शुरू किया। और ऐसे ऐसे 15-20 अकाट्य सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा इसे ले जाओ। तो इसलिए वो जो दो शिक्षा थी, इफ यू हैव टू स्पीक फॉर 5, अब आप, मैं एग्रीकल्चर में आने के बाद फिर एग्रीकल्चर में रह क्यों गया, ये सवाल आपने नहीं पूछा। आने का तो मैंने बता दिया कि मंदिर की जो घंटियां बजी कुछ बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे एक याद आता है कि आप कह रहे हैं कि बचपन से मैं किसी से डरता नहीं था। नहीं, वो भी नहीं डरता, लेकिन आपसे सब डरते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी को आज तक एक नहीं, 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 मैं वही बता रहा हूं कि जब आपको नींद आ गई, आप सो गए, और सोने के बाद आपको भगवान भोले बाबा की घंटी सुनाई दी, आरती सुनाई दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भोले बाबा से सब डरते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी शक्ति है, पावर टू हार्म, कि पूरे विश्व को नष्ट करने की शक्ति है, फिर भी वो भोले। तो मैंने आप में वो गुण देखा कि जब मैं शुरू में मैं भी बहुत डरता था आपसे, लेकिन मैंने आपकी उदारता और आपका ज्ञान और ये देख कर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कनेक्शन भोले बाबा से है आपका। नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं, वो दूसरे का जवाब। इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी आप दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दूसरे का बता दूंगा जी कि क्यों रह गया जी। उस समय सीपी रामास्वामी अय्यर जो हॉस्टल था, आज की तरह नहीं था जी। सारी फैकल्टी के जो पीएचडी स्कॉलर्स थे उसमें रहा करते थे। वो बड़ा भारी एडवांटेज था, बहुत भारी एडवांटेज था, जो इंटरेक्शन होता था, जो पर्सपेक्टिव डेवलप होता था। तो मकर संक्रांति के दिन मैं स्नान करने गया दशाश्वमेध में, उसमें सब कच्चे घाट थे, अब तो बड़ा सुंदर रम्य दृश्य हो गया। तो स्नान करके जब आने लगा तो उस समय मिश्रा जी 6-10 पैसा होता था करधन में जो लोग बांटते तो तिल और जो है चावल और वो, तो ऐसे ऐसे वर्चुअली छिड़कते थे लोग। लोग जो है विषमता अवस्था में बहुत लोग बैठे होते थे। तो स्नान करके मैं आ रहा था, मैंने जब वो देखा तो अचानक मैं विचलित हो गया। और ये मैंने बोला ना कि बहुत सारी अनकही कहानियां आपको बताऊं, तो मैं दशाश्वमेध से अश्रु की धारा मेरे आंखों में फूट गई। मैं 61 नंबर सीपी रामास्वामी अय्यर में रहता था, तो सुबह मैं वहां से पैदल चलता चलता आ गया और 61 नंबर में कमरा बंद किया। और मुझे याद है शाम के 4-4:30 बजे तक मेरी आंख से आंसू नहीं रुके। तो उसी समय ये निर्णय लिया कि जीवन पर्यंत कृषि में भी रहूंगा, नहीं तो उस समय सीपी रामास्वामी अय्यर में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग आईपीएस आईएएस बहुत लोग हमारे जो परम मित्र थे वो सब चले गए उसमें। लेकिन हमने उसी दिन जो ये संकल्प लिया कि जीवन पर्यंत कृषि में ही रहूंगा। अभी कोरोना काल में भी देखे, अभी सब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब मैं गांव में जाता हूं तो बहुत खेती बाड़ी बहुत कुछ करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है। तो उसकी वजह से मैं इसमें रह गया। अब जो बीएचयू का ये वातावरण है, जो आपने कहा, एक तो विभाग, आप उसी विभाग में संयोग बस प्रोफेसर होके आए, 10-15 साल हो गया आपको प्रोफेसर हुए, पर अगर आप दृष्टावलोकन करेंगे, दृष्टिपात करेंगे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग विभाग पर, तो आज ही नहीं 20-25-30 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि देश के शीर्षस्थ स्थानों में संस्थानों की जो लीडरशिप है, आज भी डायरेक्टर आईआरआई से लेके आप सब बीएचयू के लोग हैं, वो बीएचयू के लोग हैं। पर सबसे बड़ी बात जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की बात, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, चाहे सीमित हो चाहे ईरी हो चाहे इक्री सेट हो, चाहे जो है भारतीय भारतवर्ष के शीर्षस्थ अनुसंधान संस्थान जी, तो कुछ तो बात थी और कुछ बात है जी। इसमें जो मैं देखता हूं कि विभाग तो था ही, कॉलेज तो था ही, जो विभिन्न संस्थान थे, मेडिकल था, इंजीनियरिंग था, आर्ट्स था, एग्रीकल्चर था, उसका एक बड़ा अपना बहुत पर्सपेक्टिव होता था। देखिए, मैं नहीं जानता, उसके बाद मैंने स्टेटिस्टिक्स देखा नहीं है, मैं खेल कूद में ज्यादा भरोसा करता था,
इसलिए टीम की जो भावना है, स्पिरिट है, वहां से आई। और मैं आपको याद दिला दूं, और जो श्रोता पुराने होंगे वो जानते होंगे, यूनिवर्सिटी के इतिहास में वॉलीबॉल का फाइनल एक ही बार एग्रीकल्चर फैकल्टी खेली फाइनल, और वो भी फाइनल मुकाबला आर्ट्स फैकल्टी से एमपी थिएटर के मैदान में था, जो वॉलीबॉल की जहां फील्ड आज भी है वही थी जी। और शायद ऐसा मुकाबला कभी नहीं हुआ, मैं उस टीम का मेंबर था। पहले दिन दो दो गेम दोनों जीते, पांचवी गेम में अंधेरा हो गया, गेम बंद हो गई, उस समय लाइट वाइट नहीं थी। लाइट नहीं। दोबारा दूसरे दिन फिर शुरू हुआ और दोनों ने दो दो गेम जीती, पांचवी में आर्ट्स कॉलेज जीत गया। पर उन दिनों प्रोटेक्शन नहीं होता था, हम सबके ये जो घुटने हैं फट गए। उसके बाद हम लोग जो है सर सुंदर राव अस्पताल वहां से गए, पर उसी दिन ऐसा हुआ कि रात में एक हमारे मित्र थे, उनकी मिसेज को टिटनेस हो गया था और उनकी डेथ हो गई, तो वहां से फिर हम लोग श्मशान घाट गए और दूसरे दिन कन्वोकेशन था। तो हमने पीएचडी, हमने कोई डिग्री ली ही नहीं, एमएससी की भी डिग्री कन्वोकेशन में नहीं ली, बीएससी की भी नहीं ली, पीएचडी की नहीं ली, तो मैंने ये सोचा था कि अब मुझे डीएससी करना पड़ेगा। अभी मेरे इंट्रोडक्शन में कह रहे थे 15-16-17 विश्वविद्यालयों ने दिया, पर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जो डीएससी ऑनरिस कॉजा दिया, वो मुझे याद आ गया कि मैंने सोचा था कि मेरे को करना पड़ेगा। पर जो मैं वातावरण की बात कर रहा था, जो पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिनों प्रो वाइस चांसलर हुआ करते, हमने उनके बहुत भाषण, यही तो यहाँ की विशेषता थी, कोई ऐसा दिन नहीं होता था अगर आपके पास समय है तो आप किसी फैकल्टी में कहीं चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ विशेष होगा और ऐसा होगा कि आपका पेट भर जाएगा, उससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आप प्रफुल्लित हो जाएगा। मुझे याद है एमपी थिएटर में रामधारी सिंह दिनकर कविता सुनाने आए थे और अध्यक्षता कर रहे थे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने कविता सुनाई थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आप जानते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा था, कहा था पाप का घड़ा भर गया है और बरगद की अस्तंभिक जड़ों की तरह फैलाव कर रहा है। आप उपमा को देखिए, बरगद की अस्तंभिक जड़ों की तरह, जो सप्ताह में एक दिन गीता प्रवचन होता था मालवीय जी के, उसमें मैं अक्सर जाता था। और जो आप कह रहे हैं बहुत चीजें वहां सीखने को मिली जो और किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेंगी। अब उसमें मेरे चरित्र के दो रूप जो हैं, बहुत लोग मुझे बहुत कठोर, मैंने वही सुना था वज्रादप कठोराणि मृदुन कुष्मादप, एक मनुष्य का शरीर वज्र के समान, उसका मस्तिष्क कठोर होना चाहिए, वज्र के समान प्रहार करने की उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए, और उसका हृदय जो है पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश कोमल होना चाहिए। अगर मानव मूल्यों की बात आती है, किसी की मदद करने की बात आती है, तो एक आदमी में ये दोनों गुण जो है होने चाहिए, ये वहीं से मिलता था, मैंने एटलीस्ट वहीं से लिया। वहां पर आप अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी बात, दूसरी एक चीज वहीं से मैंने, क्योंकि जब आप सुनते हो, आप उस पर चिंतन करते हो, मनन करते हो, स्वाध्याय में जब जाते हो आप, तो निश्चित रूप से आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, पर्सपेक्टिव बनता है, और उस पर्सपेक्टिव में मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण एकम महात्मना, मन वचन और कर्म की एक रूपता ही किसी व्यक्ति को महान बनाती है। आज तो ये हो गया कि आप जो बोलोगे ठीक उसका उल्टा करोगे। आज की समस्या का जड़ क्या है? समस्या का जड़ ही यही है, जरूरत से ज्यादा बोलना जी,
इच्छाओं को बढ़ाना, आशाओं को बढ़ाना, आशाओं को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। इसीलिए एज ए प्रेसिडेंट जब मैं एकेडमी अपना प्रेसिडेंशियल लेक्चर पहली बार दिया था तो उसमें 6 महीना तक मैंने देखा क्या कि वो क्या रहा कि डिस्पाइट डेवलपमेंट फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा पूरे देश में, डिस्पाइट फार मोर डेवलपमेंट फ्रस्ट्रेशन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो मेरे को समझ में आया कि एक्सपेक्टेशन माइनस अचीवमेंट इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। आप जो है कह कह के स्वप्न दिखा दिखा के एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दे रहे हैं तो पहले से अगर ज्यादा अचीवमेंट भी होगा तब भी रिमाइंडर ज्यादा होगा, रिमाइंडर ज्यादा होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। सर एक प्रश्न मैं पूछने वाला था आपसे लेकिन आपने उत्तर पहले दे दिया। मेरे मन में प्रश्न आया था कि आप ऐसे पद पर रहे कि लगभग सभी भी भारत के आप विदेशों के विश्वविद्यालयों में आपने देखा है, आप घूमे हैं, आप अंदर से देख रहे हैं, तो वो कौन सी चीज है जो कि बीएचयू से पढ़े हुए छात्रों को उनसे अलग करती है? तो शायद ये जो इंटरेक्शन है ये दूसरे विभागों से, ये दूसरे लोगों से, जो बार बार मेडिकल से भी है, खेल कूद का भी जो है, गीता प्रवचन है, तो ये हमारा जो इंटरेक्शन हमारे बीएचयू के विद्यार्थियों को मिलता है वो बाकी जगहों पे नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी चीज है मिस्टर जी, जी। और मैं जब आपका 100वां वर्ष हुआ था जी, जी, जी। तो एक ही बात मैं कुलपति जी से मिला और मैं सोचा कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे एक बात उनसे कहनी चाहिए। उस समय मैं आपके कोर्ट का मेंबर भी, तो तब के कुलपति महोदय से मैंने कहा था कि आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इस विश्वविद्यालय की उसे आप इस 100वें वर्ष में ऊपर को ला दीजिए। वो स्ट्रेंथ ये है कि मैं मल्टी फैकल्टी जो आपकी इंस्टीट्यूशन है आप जो है प्रोग्रामेटिक अलाइनमेंट कर दीजिए। प्रोग्रामेटिक अलाइनमेंट करके कट अक्रॉस कर दीजिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, म्यूजिक से लेके आपका पीएचडी की थेसिस में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने में द्रव्यगुण विभाग जाता था। तो अगर आप कट अक्रॉस कर देंगे जी, क्योंकि साइंस एंड जो साइंस जो एजुकेशन है इट विल फ्लोरिश इन डिसिप्लिनरी मोड ऑफ एक्शन, बट टेक्नोलॉजी हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी मोड ऑफ एक्शन में आती है। तो अगर आप प्रोग्रामेटिक अलाइनमेंट, मैंने कहा था कि एक अच्छी खासी बजट आ जाए और जो मेडिकल के लोग हैं, अब बताइए मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कुछ करेगा, वो कुछ करेंगे, सब जुड़े हुए हैं, आपका जितना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है इंजीनियरिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल। तो आपका जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है आपकी यूनिवर्सिटी की उसको जो है कैटेलिटिक सपोर्ट देके एक फंड बना के प्लेटफॉर्म में लाने की जरूरत है। और अगर आप ला देंगे उसको तो कौन सा सब्जेक्ट नहीं है यहां जो, तो वो जो इंटरडिसिप्लिनरी इंटरसेक्टोरियल जो प्रोग्रामेटिक अलाइन, जब आप कंप्लीमेंटरिटी को कैपिटलाइज करने लगेंगे और कोहेरेंट सिनर्जी को हार्नेस करने लगेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो 2+2=4 नहीं होगा, 2+2=24 नहीं होगा, 2+2 होल स्क्वायर इंटरेक्शन जब आप कराएंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये बढ़ेगा, तो उस स्ट्रेंथ को समझने की आवश्यकता है और जो कंपार्टमेंट्स हैं इसमें अलाइनमेंट करने की आवश्यकता है। पर मैं कह रहा था इंस्टीट्यूशन की बात, आपने जो पर्सपेक्टिव डेवलप होता है उसके लिए ये बहुत ही उत्तम स्थान है। तो मालवीय जी ने शायद इसीलिए सभी विभागों की स्थापना, उनके दिमाग में रहा होगा कि भारत के यहां से निकलने वाले विद्यार्थी, अगर देखना है मालवीय जी का विजन, मालवीय जी और गांधी जी एक बार साथ कहां गए, बंगलौर, बंगलौर में एनडीआरआई का रिसर्च स्टेशन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका करनाल में उसका रिसर्च स्टेशन। तो 1934 में गांधी जी और मालवीय जी 15 दिन उस इंस्टीट्यूशन में गए और आप जानते हैं उसमें क्या हुआ, किसी ने लिख दिया था, कोई बड़ा आदमी आता है तो लिख देते हैं ना, अब जैसे आप कहेंगे मंगलारा डॉक्टर फलाना ढिकाना, उसको काट के गांधी जी ने अपने हाथ से लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी BA LLB वगैरह जो लिखा था काट दिया, ए फार्मर फ्रॉम काठियावाड़। पर उस समय जो लिखा हुआ
वो बहुत अद्वितीय है जो आपने कहा। मालवीय जी का ज्ञान कितना परिष्कृत था, कितना बृहत था, कितना इनसाइड इनटू था। उन्होंने फार्मिंग सिस्टम की बात 1934 में कर, बिल्कुल। आज जो सारा लफड़ा ही क्या है, कोई वेजिटेबल वाला कहता है कि मेरा बहुत अच्छा है, कोई धान वाला कहता है मेरा बहुत अच्छा है, कोई ये वेंचर कोई वो वेंचर। सिस्टम वाइड सिस्टम अप्रोच इन ए सिस्टम पर्सपेक्टिव देखने की जो दिव्य दृष्टि थी वो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी में थी और 1934 में ये उन्होंने लिखा है। मैं बात कर रहा था कि जो टीचर, मैं बात कर रहा था इंस्टीट्यूशन, लेकिन इंस्टीट्यूशन के अलावा जो आपका परिवेश है वो बाहर से आता है। मैं 2-3 उदाहरण आपको लूंगा। एक जो है आपका गौतम बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, प्रथम उपदेश। तो यहां छात्र जीवन में मैं 2-3 चीजें वहां से सीखी और उसका मैंने हमेशा अनुसरण किया। आप मेरी डे टू डे एक्टिविटी जो है, मैं किसी आदमी पर विश्वास नहीं करता और हर आदमी पर विश्वास करता हूं। मैं किसी लिखी हुई किताब में सत्य नहीं मान लेता, कोई सुनी सुनाई, जानते हैं कहां से आया। मैं जब जाता था तो वहां लिटरेचर खरीदता था, तो उसमें मैंने पढ़ा गौतम बुद्ध ने क्या लिखा। गौतम बुद्ध ने लिखा, डोंट बिलीव व्हाट इज रिटन इन बुक्स, डोंट बिलीव व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लास, एंड डोंट बिलीव एट ऑल व्हाट हैज बीन व्हिस्पर। मत विश्वास करो जो पुस्तकों में लिखा है, मत विश्वास करो जो कक्षाओं में पढ़ाया गया है, और जो सुना सुनाया है उस पर तो विश्वास करो ही मत। आगे वो क्या लिखते हैं, जो लिखा है उसे पढ़ो, जो पढ़ाया गया है उसे ध्यान से सुनो, जो बोला गया है विस्पर हो रहा है उस सबकी एनालिसिस करो, चर्न करो, और चर्न करने के बाद अपने विवेक अपने ज्ञान का सदुपयोग करो, और उसमें से चर्न करके जो आए और जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, वही तुम्हारा ज्ञान है, वही तुम्हारी शिक्षा है। आज हो क्या रहा है, आज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन तो हो रहा है, पर वो इंफॉर्मेशन ज्ञान में परिवर्तित हो रहा है और वो ज्ञान जो है समझ में विकसित हो रहा है। ये प्रश्न एक उठता है। तो जो मैं बनारस और छात्र जीवन से बात कर रहा था, तो वहां से जो ये सारनाथ से जो ये चीजें आई उसी में आगे वो लिखते हैं जब वो मरने को होते हैं और शिष्य कहते हैं कि अब तो आप नहीं रहेंगे, हमारा क्या होगा। तो कहते हैं आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, बी ए लैंप पोस्ट फॉर योर सेल्फ। मतलब वही बात कि तुम्हारा जो हर व्यक्ति अगर चर्न करने लगे, सुनाई सुनाई कही कहाई पढ़ी पढ़ाई किताबों में लिखी उसको चर्न आप करने लगो, तो जो आज झूठ बिक रहा है, झूठ बिक रहा, सारी समस्याओं की जड़ ही यही है कि झूठ बिक रहा है, और हम बहुत अच्छे खरीदार हो गए। तो जब तक आप झूठ बेचोगे और जब तक खरीदारी होगी तब तक वो बिकेगा ही, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो वही बोले आत्मदीपो भव, वही बोले कि पढ़ो, पढ़ाया गया देखो पुस्तकों में, सुनो सुनाओ, पर सबको चिंतन मनन चरण करने के बाद। और देख जानते हैं उसी का नतीजा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं विश्वास नहीं करता और सबका विश्वास करता हूं, ठोक बजा के तो देख लेना चाहिए ना भाई। तो चार वाक का एक सेंटेंस आपको, ये चार वाक का, मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं सुना जो मैं अब कहने जा रहा हूं। चार वाक को, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे जावत जीवे सुखम जीवे, पर मेरा मस्तिष्क ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ, मैंने कहा चार वाक अगर ऐसा हो तो इतनी 100 साल बीत गए और आज तक जो सिद्धांत वो प्रतिपादित किया वो क्यों जिंदा है। अब उसको आप उस मिले कि खाओ पियो मौज करो और ले लो, अगर ये नहीं होता तो एनपीएम बैंकों का इतना क्या होता। पर अगर आप वाकई उसे देखें, मैं जो सोचता हूं जो मैं समझता हूं कोई और नहीं समझता, पर मेरी समझ ये है कि उस समय क्या ऋण होते थे,
कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवे जावत जीवे सुखम जीवे। ऋण लो घी, घी का मतलब घी नहीं है, पर जो भी करो वो क्या है, सुख से जीने के लिए। बताइए अगर लोन किसी से ले लेंगे और नहीं दे पाएंगे तो सुख से जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। अब भाग ही जाओगे फिर भी रात में चिंता तो रहेगी, कोर्ट में केस लड़ना, भले जीत जाओ फिर भी परेशान तो रहोगे, सुख से रहोगे? लेकिन उसका ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, घृतम मीन्स वो चीज जो आपके लिए पुष्टकर है, मन को मस्तिष्क को शरीर को जो पुष्टकर करता है, जिससे आप जीवन पर्यंत। तो ऋण क्या है? ऋण उसने कहा ज्ञान, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, शिक्षक का ऋण, बनारस का ऋण, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऋण, पत्थर का ऋण, जहां से भी आपको ज्ञान मिलता है वो ऋण है। और वो ऋण, ज्ञान रूपी ऋण अगर ले लोगे तो ओनली इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इज व्हाट यू कैन नॉट थिंक एंड एक्ट अपॉन। तो वो उस ज्ञान की बात कर रहा है। What you know today is a fraction of what you doesn't know at any point of time. What you would be knowing will continue to be a fraction of what you would not be knowing. So, अगर ज्ञान अनंत है तो धन भी अनंत है। उस ज्ञान की बात चारवाक करता है। मैं ये व्याख्या इसलिए कर रहा हूं कि मेरा मस्तिष्क किसी लिखी हुई सुनी सुनाई चीजों में कभी नहीं रहा। तो आप जो लीडरशिप पोजिशन आप देख रहे होंगे, मिश्रा जी आप व्हीट ब्रीडर हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डिसीजन हमने लिया था, अभी मेरे को डीजी हुए हुए कुछ एक महीने हुए थे, एम भी राव भी बैठे थे, नागराजन डायरेक्टर था। तो इनागुरल सेशन में जब डीजी हो जाता है तो भाषण, इनागुरल भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। तो मैं ऐसे पलटा, लिखा लिखाई पे तो मैं आज तक कभी नहीं गया, तो मैं खुद ही पढ़ के देखता हूं। तो पलटा तो मेरे को ये दिखा कि पीबीडब्ल्यू 343 जो है ऑलमोस्ट ऑल लोकेशन पर फर्स्ट नॉन सिग्निफिकेंट ग्रुप में है। तो मैंने पूछ लिया नागराजन से कि नागराजन ये कौन सा टेस्ट चल रहा है? बोला साहब पहली साल का है, दो साल और चलेगा। मैंने कहा ये तो दिखा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में ये ऑलरेडी टेस्ट हो गया है। बोला हाँ साहब, वीट में जो है ये जो है हम पहले जोनल करते हैं और उसके बाद नेशनल करते हैं। मैं बोला अच्छा, मैं बोला ये बदल देंगे? बोला ये नहीं बदल सकता। मैं बोला डीजी मैं हूं, ये हो गया ना एरोगेंस। बट एरोगेंस किस लिए? निश्चल मेरे बॉस डॉक्टर एम बी राव जो वीट के क्वाडिनेटर, स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल डीजी सब थे, वहां बैठे थे, उन्हीं का बनाया हुआ। और मैं अपने इनॉग्रल भाषण में ये कहा कि दिस इज माय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, शाम को इस वैरायटी का प्रपोजल ले आना, इसे आइडेंटिफाई करेंगे रिलीज एंड नोटिफिकेशन के लिए। और दूसरा, आप जेनेटिक्स के विद्यार्थी हैं, आप ये बताइए कि पहले वेरिएबिलिटी नेशनल लेवल पर टेस्ट होनी चाहिए कि जोनल लेवल पर? अगर जोनल लेवल पर टेस्ट करके एग्रीगेट करेंगे तो वेरिएबिलिटी तो लॉस हो जाएगी। तो वो निर्णय तुरंत लागू किया, 300 आदमी बैठे हैं, किसी से नहीं पूछा। और आप जानते हैं क्या हुआ? जब मैं दिल्ली लौट के गया तो मेरे एक परम मित्र सुवर, क्योंकि दिल्ली में एक दूध का बूथ है, हर जगह होता है, बीएचयू में भी होगा, जहां कौन डीजी हटाया जाएगा, वीसी हटाया जाएगा, दुनिया भर की पॉलिटिक्स। तो सुबह सुबह सारी जनता मेरे को बहुत अच्छी शब्दों से नवाज रही थी, ये तो पागल है। तो डॉक्टर आर पी सिंह नाम भी बता दे रहा हूँ। तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको भी लगा कि सर गलत काम राय साहब ने कैसे किया। तो वो जो है दूध रख करके और घर सुबह 6 बजे मेरे आ गए। मैं बोला क्या? मैं तो घबरा गया। वो बोले ये काम आपने किया है, आपसे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं डीजी था, वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, लेकिन दोस्त, बोले ये काम आपने किया है। मैं बोला आरपी बैठो चाय पियो, मैं और आप कौन होते हैं काम करने वाला, इतिहास इसका जवाब देगा। वी के मिश्रा जी आप जो हैं वीट के ब्रीडर हैं, ये बताइए 7 मिलियन हेक्टेयर में वो वैरायटी फैली की नहीं? उतनी वाइडर। ये डिसीजन मैंने क्यों लिया? क्योंकि आपके पास ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने देखा ये अटिला का क्रास है, ये जो है एज ए अटिला जो है ईरान में रिलीज है, एज ए इनकलाब जो है वो पाकिस्तान में रिलीज है,
हिंदुस्तान में टेस्ट हुई है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में रिलीज हो चुकी है, तो सिर्फ पागल ही जो है वेस्टेज ऑफ मनी और एनर्जी करेगा। इसलिए मैंने तो बिना प्रपोजल, किसान को प्रपोजल नहीं आया, मैंने कहा आइडेंटिफाइड, ये जमाना होता तो फांसी पे चढ़ा देते, पर फांसी पर उन्हें चढ़ाना चाहिए जो इतने दिन बर्बाद किए और 7 मिलियन हेक्टेयर 24% टोटल एरिया ऑफ दिस कंट्री, ये मालविया 234 भी ने काफी कवर किया था, तो, लेकिन 343 बहुत आगे था। तो पीबी रवि 343, कहने का मतलब ये कि ये निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता आती है, जब उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप बिल्कुल ऊपर से, जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है वहीं से तो शुरू हुआ, यहीं से जाने के बाद, क्योंकि मेरे मित्र ने कहा, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चार्ज था जब मैं डिप्टी डीजी था, तो एक मित्र आए और बोले कि ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बड़ा, मैंने कहा हाँ, थोड़ी देर में मैं समझ गया, और मैंने कहा क्या चाहिए, बोले 10,000 का आता था जीरो की मशीन, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया मिल जाता, मैंने शाम को उनको 11 लाख रुपया दे दिया, ठीक है। और आज क्या हो रहा है, उस समय एक मैन्युफैक्चरर जालंधर में, जो मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा था, वो उसने कहा कोई नहीं खरीदेगा, तो हम लोगों ने कहा हम तुमको 2 लाख देंगे, तुम हमें 20 दे दोगे, फिर 2 लाख एडवांस देंगे तो 20 देना, और 2 मिलियन हेक्टेयर में पहुंच गया, 150 मैन्युफैक्चरर हो गए उसके। तो सवाल ये है कि साइंस बेस्ड जो निर्णय आप लेते हो, और जब आप, आपको 2-4 चीजें और बता रहा हूं, अब जैसे एक बार जो है 2 एबडक्शन हुए थे, मैंने काफी नेतागिरी भी की है ना, तो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर सर्विस फोरम का मैं प्रेसिडेंट था, अभी जब एडीजी था तभी हो गया था, तो मैथी जो हमारा कोऑर्डिनेटर था उसको ऐप पर, आपको याद है ना, उसको एबडक्शन करके ले गया जंगलों से, अब जानते हैं क्या, मैंने डीजी से कहा कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूं तो मैं कुछ करूंगा, रात में सोचूंगा। रात में मैंने सोचा कि मुझे देश के गृह मंत्री से जो है कल सुबह मिलना है, और इंद्रजीत जीत गुप्ता जी अब नहीं रहे, वो उन दिनों के गृह मंत्री ईस्टर्न कोर्ट में रहते थे, तो मंगला राज ऐसा छोटा आदमी कैसे उनसे मिल सकता है, और संडे का दिन था, पर मेरे को मिलना है क्योंकि एप्पन मेरे साइंटिस्ट को ले गया है, और मेरा एक गुरुतर उत्तरदायित्व है प्रेसिडेंट का कि मैं करूं, नहीं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है प्रेसिडेंट रहने का। तो मैंने 8 बजे फोन निकाला डायरी से और फोन किया, मैंने जानते हैं क्या कहा, विद ऑल ड्यू एपोलॉजी, कभी कभी करना पड़ता है मिश्रा जी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही छात्र कर सकता है। मैंने उनसे कहा, जो फोन उठाया, मैंने कहा इंद्रजीत गुप्ता जी हैं, उसने कहा हाँ साहब, मैंने कहा है, वो बाथरूम में साहब, मैंने कहा उनसे कह देना 8:30 बजे डॉक्टर मंगला राय उनसे मिलने आ रहे हैं, मैंने फोन रख दिया, क्योंकि होम मिनिस्टर के हैं, मैं ये खबर देना चाहता था कि इस नाम का कोई व्यक्ति आएगा उसे गेट पर न रोका जाए, क्योंकि सबसे बड़ा पावरफुल जो है गेट का गेटकीपर होता है, और आप जानते हैं जब हमने तुरंत फिर फोन किया, घोष बाबू डिप्टी डीजी और 2-4 लोग वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे थे सुशन भी, भाई चलो ईस्टर्न कोर्ट हम चल रहे, 4 लोग पहुंच गए, तो जब आया तो उनको स्लिप मिल गई होगी कि मंगला राय ये तो खाना आ रहा है, कौन मंगला राय उसे तो वो जानते ही नहीं, तो वो हमें 1 घंटा बैठाए, हो 9:30 बजे बड़ा हाल था उसमें बुलाए, और बारे गुस्सा की उनकी आवाज, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, मैंने बताया प्रॉब्लम, वो तो हमें बैठाना भी नहीं चाहते थे, हमें तो भगा देना चाहते थे, और मेरा तो पर्पस था किसी तरह कुर्सी के पास पहुंच जाओ और बैठ जाए तब इनसे बात करें, तो मैंने कहा कि सर खड़े खड़े ही, वीरप्पन इज लिविंग इन ट्रीज मूविंग इन जंगल्स, व्हाट कैन आई डू, मैंने कहा आई नेवर थॉट दैट होम मिनिस्टर ऑफ सच ए माइटी कंट्री वुड बी इन सच ए पिटिएबल सिचुएशन, और ये कहते हैं इंद्रजीत गुप्ता जी का हालत आप समझ सकते हैं, और इतनी देर में तो मैं कुर्सी के पास पहुंच गया था, मैं बैठ गया, मेरे कलीग भी बैठ गए, भाई नेता है तो है,
और इसके बाद इन्होंने जो है कहा कि ही इज लिविंग इन टाइटिंग मूविंग इन जंगल, हम इनकाउंटर करा देंगे। मैंने कहा इनकाउंटर के लिए नहीं आया हूं, एंड यू आर टॉकिंग टू ए साइंटिस्ट इन दिस एज। वो जो पिन थी ना कागजों में, उन दिनों पिन चुभाने वाली होती थी, एक मैंने उठाया उनकी टेबल से, दुस्साहस है, और मैंने कहा कि आज के साइंस के जमाने में इस पिन को भी ट्रैक किया जा सकता है। वीरप्पन इतना बड़ा आदमी जंगल में घूम रहा है, सैटेलाइट से आप ट्रैक नहीं कर सकते? तो और गुस्सा गए वो। मैंने कहा आई वॉन्ट माई साइंटिस्ट हेलन हटी। बिल्कुल। तो वो किसी का नाम बताया, और मेरे को बताना उचित नहीं होगा, उन दिनों वो चीफ मिनिस्टर, बोले वही ये काम कर सकते हैं। मैं बोला थैंक यू सर, मुझे तो नाम चाहिए। और मैं आके कृषि मंत्री के पास फोन किया डीजी को कि मैं वहां जा रहा हूं, आप आना चाहे आइए। वो भी आ गए, और कृषि मंत्री ने उस सीएम को फोन किया और ये कहा था कि अगर आप नहीं छुड़वा देंगे तो हम जो है आके बैठ जाएंगे। दूसरे दिन वीरप्पन ले आया, मैती को छोड़ गया। दूसरी घटना मैं बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में इतनी हड़तालें हुई पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की इंफाल में एक दिन बंद नहीं। एक हमारा रिसर्च स्टेशन था, उसके एक सुपरवाइजर को बोडोलैंड वाले उठा ले गए। क्या मांग रहे थे? 12 लाख रुपया। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सब लोगों ने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन से चंदा करके दे देंगे। मैंने कहा नथिंग डूइंग। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे सारे होम सेक्रेटरी सब दोस्त सब ने कहा जो है नहीं संभव नहीं है, उसको बता दिया कहां गया। मैंने शाम को एक आदेश पारित किया और वो यही था कि दिस स्टेशन स्टैंड्स क्लोज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, और स्टाफ जो है ऑप्शन दे दे कि उसका कहां कहां ट्रांसफर कर दें। आप जानते हैं किसी स्टेशन को क्लोज करने का अधिकार डीजी का पास नहीं है, जो स्टेशन इतने बरसों से चल रहा है। बट आई इशूड एन ऑर्डर। मेरे एडिशनल सेक्रेटरी ने 3 बार आके कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बोला कंप्लाई विद द ऑर्डर, और वो ऑर्डर दूसरे दिन गया। ठीक है, आप जानते हैं क्या हुआ? बोडोलैंड ने जो ले गए थे वो ले आए और उसको छोड़ गए। तो फिर मैंने आदेश किया कि फाइंड आउट, इंक्वायरी बैठा दी कि पता करो कि ये इसी को क्यों ले गए, दूसरे को क्यों नहीं ले गए। तो पता लगा कि फार्म सुपरिटेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट सीपीडब्ल्यूडी का तो होता है, आईसीआर में तो कोई कंस्ट्रक्शन कराता नहीं तो सीपीडब्ल्यू, लेकिन उसका भतीजा होतीजा कोई गांव से गया था, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था, तो वो सब 10% मांग रहे थे। तो तब से कहने का मतलब ये है कि आप जब इस वातावरण में रह रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट दर्शन से लेके साइंस टेक्नोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर म्यूजिक आप सब देखते हो, और इस सारी चीजों को जब आप देखते हो तो निश्चित रूप से आपका एक पर्सपेक्टिव जो है बहुत बृहद हो जाता है, बहुत बदल जाता है। इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं, मैं जान के नहीं आया था, आपको बता दिया कैसे आया था, पर मैंने 70-72 देशों के दुनिया के बहुत एडवाइजरीज पर रहा, बहुत कंट्रीज पर रहा, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस तरह का इंस्टीट्यूशन मैं ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं मिला। हमें अपनी सामर्थ्य को पहचानना पड़ेगा, हमें जो है वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका अलाइन करना पड़ेगा, एंगुलरिटी को खत्म करके उसको हार्मोनाइज करके रिसर्च इन एजुकेशन करने की जरूरत है, रिसर्च इन एक्सटेंशन करने की जरूरत है, रिसर्च इन एजुकेशन का होपफुली आप अर्थ समझ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बदलते परिवेश में, बदलते देश में, बदलते कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन की क्या व्यवस्था, कैसे बदल रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को वैसे काम करने चाहिए जी। और चाहिए कि चाहे एजुकेशन के प्रोग्रामेटिक अलाइनमेंट, आप बहुत तरह की डिग्री दे सकते हैं। अब जैसे आप कह रहे थे
ये धीरेंद्र भाई कह रहे थे कि ये एसोसिएशन है, मेरी बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एलएलएम कर रही थी इंटेलेक्चुअल, तो वहां जो है पढ़ते समय भी वो देखती थी एलुमनाई का, तो मेरे को बताती थी कि पापा मैंने दुनिया के बहुत अमेरिका के चीफ जस्टिस से लेके सारे कंट्रीज के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे इंटरेक्शन किया, और उसका नतीजा है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया। तो इसलिए ये एक नहीं, आपके जितने एलुमनाई हैं सप्ताह में 10 दिन 15 दिन 20 दिन यहाँ ये जोड़ेंगे आप उनसे उनका एक्सपीरियंसेस ही अगर शेयर करेंगे तो बहुत इनरिच होते जाएंगे। तो पैसा सिर्फ धन से नहीं होता, ज्ञान जो है प्रोग्राम से। अब जैसे वीरप्पा मोइली कमेटी थी, मैं उसका मेंबर था, तो आपने 480 करोड़ रुपया मांगा था, 480 करोड़ रुपया मिल गया। मैंने थोड़ा सा इंडिकेशन भी दिया था कि जो मांगेंगे वही मिल जाएगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1700 करोड़ मांगा था, दूसरे 1700 करोड़ मिल गया। तो आपके एल्यूमिनाई जो हैं, क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, व्यक्तिगत जी, यह एक इंस्टीट्यूशन का, और बाहर मना की आत्मा जो है इसमें, बाहर मना रक्त से सींचा है इसको, वो चद्दर ओढ़ के कहीं भी पहुंच जाते थे। बिल्कुल। और आज अखबार वालों के यहां सिर्फ सुना है भोजन आता था तो खाते थे। हाँ बिल्कुल, डेली का सिद्धा जिसे बोलते हैं। तो दिन का सवाल यह है कि इस इंस्टीट्यूशन का जी, जो भी कोई देश हो काल हो, न कोई पार्टी की बात है न किसी पॉलिटिक्स की बात है, बट एज ए इंस्टीट्यूशन जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो तो होनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान की बात होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और ये तो विद्यार्थी जीवन में ही शिक्षा जो है ये मिलती है, क्योंकि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्धता, तरलता, सरलता, निरंतरता को बढ़ाने के लिए और सदैव सभी देश और काल में विश्वविद्यालय की गरिमा को सदैव ऊपर रखने के लिए। अब मंदिर जो मैंने कहा क्या है, मेरे लिए तो वो सब जगह मंदिर है जहां मन अंदर जाए। तो अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जहां भी आप जाते हैं, अगर आपका मन आपके अंदर आत्मावलोकन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो आपके लिए मंदिर है, वही मंदिर। तो सवाल ये है कि भाई मैं बार बार कहता हूं, और देश की मैं क्यों किसी से तुलना करूं, पर मैं बहुत चिंतित रहता हूं इस बात से कि जिस देश में 17.78% आबादी पूरे विश्व की हो, जिस देश में मात्र 4.2% पानी हो, जिस विश्व में मात्र 2.3% जमीन हो, 2.3% जमीन, 4.2% पानी पर 17.78% पॉपुलेशन का भरण पोषण, कुपोषण निवारण कैसे होगा, इसके लिए ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है, और उसके लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन की भूमिका जो है बहुत बड़ी। तो सर आप करीब 54 वर्ष पहले जब पहली बार यहाँ 1967 में आप आए थे, तो 54 वर्ष का एक लंबा समय होता है, तो आप क्या परिवर्तन देखते हैं इसमें? भौतिक परिवर्तन तो बहुत है, बिल्डिंग बन गई है, ये सब कुछ है। देखो मिश्रा जी, इंस्टीट्यूशन इज नॉट नोन बाय टम्स एंड टावर्स जी, इंस्टीट्यूशन इज नोन बाय स्टूडेंट एंड स्टाफ, और जो वैल्यू हो चेरिस करता। परिवर्तन पूछा तो बता रहा हूं जी। मंदिर में पहले गया था जी, बिरला जी कम्युनिस्ट जी, उनके जब बना था तो एक दिन मैं तो काफी लोगों से मिलता जुलता रहा हूं, तो मिले तो उन्होंने कहा मेरे से कि बिरला जी ने हमसे कहा था कि इस मंदिर में कहीं भी मेरा नेम प्लेट नहीं लगेगा। तो बिरला जी ने मंदिर बनवाया जिसमें मैंने कहा कि जहां मेरे को इतना अच्छा लगा जी। अब उसमें उपवन भी बन गया, लेकिन उपवन में 3-4 बार गया, मेरे को कुछ ठीक ठाक लगा नहीं। घास में भी जब जाते हो तो उसका मेंटेनेंस मैनेजमेंट नहीं है, पर एक परिवर्तन देखा उस मंदिर में, एक नटराज की मूर्ति है, शिव मेरे को भी बहुत प्रिय है, लेकिन जहां नटराज की मूर्ति है वहां पर उस बिल्डिंग में एक नेम प्लेट लगा हुआ, ये परिवर्तन। नाम करने की मुझे याद है आईसीआर में वो जितनी पत्र पत्रिकाएं आती है ना, स्वागत आती थी, सब सब 2 लाख पर पेज का होता था, तो वो मेरे पास आते थे
भाई सीएसआईआर का आ गया, इनका आ गया, सबका इतना इतना आ गया साहब, आप भी जो है 10 लाख तो दे ही सकते हो। मैंने उनसे यही कहा था कि जिस दिन डीजीआईसीआर को ये छपवाने की जरूरत पड़ जाएगी उस दिन मैं इस पद पर रहना नहीं चाहूंगा। आज जितना प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार ज्ञान का हो, विज्ञान का हो, परियोजना का हो, उन्नयन और विकास का हो, ये तो सब होना ही चाहिए जी। पर प्रचार प्रसार हो किस, जहां आप देखो वहां एक नाम प्लेट जो है लग रहा, तो ये पहला परिवर्तन मंदिर में, देखो मंदिर से शुरू किया। दूसरा जो परिवर्तन देखा वो ये देख रहा हूं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है इन द नेम ऑफ स्पेशलाइजेशन। मेरे ख्याल में वहां अलाइनमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, अत्यंत आवश्यकता है। कंपार्टमेंट कमजोर भी कर रहा है, अलाइनमेंट को दूर कर रहा है, उसको और भी वाइडर बनाना है। ऐसा है जी कि आप जितने बड़े हो उस बड़प्पन का मापदंड होता है कि आपके साथ रहने वाला जो सबसे छोटा है उसकी हैसियत क्या है। तो ना कोई बड़ा है भाई, ना कोई छोटा है जी। जो आपके विचार हैं, जो आपका काम है, जो जिससे जन कल्याण होता है, जहां जिससे जन कल्याण ज्यादा होता है वही जी अच्छा है, वही उचित है। तो आवश्यकता इस बात की है। अब देखिए जो प्रोग्रामिंग, एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये कोई बुरा न माने, मैंने ये देखा, देखो जूनोटिक डिजीजेज है। जूनोटिक डिजीजेज वो डिजीजेज है जो एनिमल से आदमी में, आदमी से एनिमल में। 70% जो डिजीजेज दुनिया में है वो जूनोटिक डिजीजेस है आदमी से। अब आपका वेटरनरी कॉलेज है, यहाँ मेडिकल कॉलेज, दोनों में कोई इंटरेक्शन है क्या? वायरस इज वायरस यार। अब वायरस वाला वेक्टर वाले से बात नहीं करता, वेक्टर वाला जो है होस्ट प्लांट वाले या होस्ट एनिमल वाले से बात नहीं करता। आप देखो जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, वेटरनरी और मेडिकल अगर मिल जाए, और उसी में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मिल जाए, तो कैसा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है? आपके पास सारे विभाग हैं जी, पर तो वो अलाइनमेंट जो है जूनोटिक डिजीजेस पर, मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना एडवांस वायरोलॉजी जो है प्लांट में है, जितना एनिमल में है, उतना मेडिकल में नहीं है। नहीं जी। पर वो जब अलाइन करेंगे आप तो आप जूनोटिक डिजीजेज आज है, कल है और ज्यादा, जितना इंटेंसिफाई आप करते जाएंगे उतना इन डिजीजेस को, जो दुनिया में सूक्ष्म से जो सूक्ष्मतर है, जो जितना छोटा है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो अपना फॉर्म और फंक्शन जो है उतना ही ज्यादा बदल लेता है। तो जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, अब कितना वायरस है, कितना बैक्टीरिया है, कितना हैंडल करना है आपको? वायरस जो है, बैक्टीरिया और इंसेक्ट सब मिला के 50 मिलियन स्पेसीज के आसपास है। फंगस ही 1.5 है, आपके इंसेक्ट जो है 30 मिलियन एस्टिमेट्स है। अब एस्टिमेट 2 मिलियन इधर होगा, 2 मिलियन उधर होगा, वो कोई बहस का मुद्दा नहीं है, बट इश्यू है कि मिलियंस है। और दिन दूना रात चौगुना जो परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन जो हो रहा है तो जितने जितना जो सूक्ष्म है वो उतना ज्यादा म्यूटेशन उसमें होगा, उतना ज्यादा उत्परिवर्तन होगा। इसलिए जो है हमें निरंतर सतत, और उसके लिए इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, जहां वेटरनरी भी है, जहां प्लांट वायरोलॉजी भी है, जहां तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आप फंड के लिए जाएंगे तो कहेंगे फंड ही नहीं है। इसीलिए कहा था प्रोग्रामेटिक अलाइनमेंट के लिए कोर बजट, कोर फंडिंग होनी चाहिए, ताकि इनका निस्तारण हो सके। अब बताइए प्लांट को अगर ले लूं, आप जिस सब्जेक्ट के हो, वायरोलॉजी वाला जो है बात ही नहीं करता, वायरोलॉजी वाला अपने को सबसे सुपीरियर समझता है, इंसेक्ट वाले से, वेक्टर वाले से बात नहीं करता। अब ये बताइए वेक्टर उसका कैरियर है, जब तक कैरियर को नहीं आप वायरस, तो भाई वायरस तो फैलेगा। अब जो है एंटमोलॉजी वाला प्लांट वाले, अरे भाई वो इंसेक्ट तो प्लांट उसका होस्ट प्लांट है, जो जाता है तो होस्ट प्लांट
हेक्टर वायरस जब तक सब नहीं डील होंगे, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, यहाँ अलाइनमेंट, अब यहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट भी है, यहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट भी है, यहाँ एग्रीकल्चर भी है, यहाँ बायोलॉजी भी है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी भी है, टैक्सोनॉमी है, सब तो है सब, तो लेकिन अलाइन अलाइन जब करेंगे तब ना, तभी तभी होगा। तो सर आपसे सब जुड़े हुए हैं इस समय, विश्वविद्यालय के सभी विभागों के छात्र जुड़े हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या, अपने अंदर देखो और जो आप समझते हो जी वही ठीक है। मैंने अपने जीवन में यही देखा कि हर व्यक्ति ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत, उसे बहुत इन्फ्लुएंस होने का जरूरत नहीं है। अपने अंदर विश्वास रखो और वो विश्वास ही, आस्था आशा और विश्वास से व्यक्ति में, समाज में, देश में, संस्थान में, राष्ट्र में शक्ति आती है। जितना प्रबल विश्वास अपने में आप बढ़ाओगे, और विश्वास बिना मेहनत के, बिना लगन के, बिना निष्ठा के कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं जी। तो वो विश्वास जो है, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा और जो शक्ति है जी आपने, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ, मुझे आज तक कभी कोई नहीं लगा कि ये काम इम्पॉसिबल है जी। और उसका सीधा यही है कि अगर उस पे लग जाओगे तो अवश्य होगा, कोई कारण नहीं कि वो ना हो। तो विश्वविद्यालय को सर अगले कुछ वर्षों में आप कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब किस रूप में नेतृत्व करें यहाँ के गुरुजनों के लिए और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं? मिश्रा जी, जो सिक्स्थ पे कमीशन आया जी, उससे बढ़िया पैकेज मैं नहीं समझता कि आज तक कोई मिला। बिल्कुल, पे बैंड 3 जहां रिकमेंडेड था, रिकमेंडेशन कमेटी की मान लेना, जो चड्ढा कमेटी थी वो बड़ी बात होती है, हम लोगों ने रिकमेंडेशन ही नहीं मानी, पे बैंड 3 को पे बैंड 4 में कन्वर्ट कर। बिल्कुल, ये इस देश में शिक्षकों के प्रति बहुत बहुत मिला हुआ, और मुझे पता है हम 3 ही थे, मैं था फाइनेंस सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, अग्रवाल जी और सुषमा नाथ और मैं। और अगर आप देखेंगे, अगर आप सिक्स्थ पे कमीशन को अगर आप देखेंगे, तो उसमें यह है कि आप अगर किसी फॉरेन डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं तो वो 5 स्टार में रहेगा तो आप भी 5 स्टार में रहेंगे जी। उसमें अगर आप देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल अगर किसी आदमी को अपॉइंट करना है तो जितना लाख जो देना चाहे दे के अपॉइंट कर ले जी। अगर उस पूरी को पढ़ेंगे जिसको सरकार ने, जिसको संस्तुति दी, मैं आभार व्यक्त करूंगा, और विश्वास सरकार का ऐसा होता था कि उसको दी, अगर आप पढ़ते हैं तो पे स्केल में, और उस समय मैंने ये कैलकुलेट करके दिया था, जबकि दोनों मेरे आईएएस मित्र मुस्कुरा रहे थे और हमारे इतने आपस में संबंध लगाव अच्छे थे, मैंने कहा यार आपको जो है लोग साहब बोलते हैं, आजकल टीचरों की हालत ठीक नहीं है, तो 450 रुपया शुरू से लेके और अंत तक आपका हायर है अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो इससे बढ़िया मैं नहीं सोचता कि इस राष्ट्र में कोई पे पैकेज मिला है। सही, बिल्कुल, बहुत है, मिला है। तो सवाल यह है कि उसकी गरिमा के अनुरूप, उसकी गरिमा के अनुरूप शिक्षकों को बदलना होगा। अब आपको उदाहरण दे रहा हूं, एक बार मैं जब वाइस चांसलर था तो एक इंटरमीडिएट कॉलेज का इनविटेशन आया कि हमारे यहाँ फाउंडेशन डे है, आप जरा आके लेक्चर दे दीजिए। तो मैं सोचा यार ये इंटरमीडिएट वाले मेरे को क्यों बुला रहे हैं, अब वही वो तो दिमाग में कीड़ा है, तो मैंने खोजना शुरू किया, तो खोजने में ये आया कि इस प्रदेश में सबसे उत्तम इंटरमीडिएट कॉलेज यही है पिछले 40-50 सालों से। तो मैंने तुरंत चिट्ठी नहीं लिखी, फोन करके कहा कि हाँ मैं आऊंगा, तो मैं गया तो उसके मैनेजर साहब डॉक्टर थे, उनसे पूछा कि ये बताइए कि क्या ट्रिक एंड टिप है कि आप जो है टॉप पर है जी। तो उन्होंने हमसे एक चीज कहा और उसको मैं मूल मंत्र मानता हूं, उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि हमारे पिताजी कभी कंप्रोमाइज नहीं किए, और मरने के टाइम पर इस कॉलेज को जब मैं मैनेजरशिप हमें दी जाने लगी, तो उन्होंने हमसे यही कहा था कि कभी शिक्षक जो है बायस होके नियुक्त मत करना,
तो साहब मैं जो हूं शिक्षकों की गुणवत्ता पर आज तक कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और आप जानते हैं मेरा उत्तर मिल चुका था। और जाने के बाद जब मैं लेक्चर दिया तो मैं चलने लगा तो दो बच्चे, एक सातवीं का एक नौवीं का, उन्होंने पेंसिल से मेरा स्केच जो है बना के मेरे को दे दिया। अद्भुत मंगला राय जो उस समय के थे वो बिल्कुल दो बच्चे मेरे सामने बैठ के दिया, मैं दंग रहा। तो इस देश के बच्चों की पोटेंशियलिटी ये है। अब कौन किस लायक है, किस दिशा में है, गुरुजन का काम यही है कि बच्चे को वो देख ले कि कौन स्पोर्ट्स का है, कौन शिक्षा का है, कौन सोशल का है, कौन साइंस का है, कौन रिसर्च करेगा, कौन टीचिंग करेगा, और वहां से उसको दिशा, उसको बोर्ड दे। ज्ञान से भर देना शिक्षा नहीं है, छात्र के अंदर, छात्र के अंदर ललक पैदा करना, जानने की इच्छा पैदा कर देना ही शिक्षा। शिक्षा जी, शिक्षक तो जो शिक्षक छात्रों के अंदर खुद ललक पैदा कर देता है जी, ये नहीं कि हम उसको भर दिए। वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहीं पर थे ना, क्या लिखा, शिक्षे तुम्हारा नाश हो नौकरी के हित बन। अब जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन अब उसमें शुरू हो गया, शुरू हो गया जी। अब जानते हैं हम लोग भगवान से संकट मोचन जाके मनाते थे कि हे भगवान, आप जानते हैं क्या मनाते थे, इंटरनल को पेपर ना हो, क्योंकि किसी को 60 नंबर मिलता ही नहीं था। तो बलिराम त्यागी हमारा क्लास फेलो था जिसको राष्ट्रपति पदक मिला जी, तो हमारे बगल में बैठ के एग्जाम साइटोजेनेटिक्स का पेपर था, तो जैसे ही पेपर देखा तो हाय पानी कह करके बेहोश होके गिर गया। हम लोग भी खड़े हो गए कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, तो पूछा गया कि क्या पढ़ाया नहीं गया, हम लोगों ने कहा बिल्कुल पढ़ाया गया। तो बोले क्या पढ़ाया गया, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हो। हम लोगों ने कहा साहब आपने हमें क्रोमोजोमल एबरेशन पर ये सवाल है, हमने इन्वर्जन ट्रांसलोकेशन ट्राइजोमिक्स, तो ट्रांसलोकेशन हम लोग जो है नोट करके रखे हैं, आपने 24 घंटा लेक्चर दिया तो 40-50 घंटा जिस पर आप लेक्चर दिए हैं उसको मैं कैसे लिख दूं, और ये 5 सवाल करने हैं तो समस्या तो ये है उसका डाइजेशन, उसका कोलेशन, उसका कंपाइलेशन, उसका जिस्ट निकालने की सामर्थ्य विकसित करना, इसलिए वो बेहोश हुआ। तो डॉक्टर आरएस चौधरी डीन थे उस समय, आए तहलका मच गया उन्होंने, अरे नहीं, हम लोगों ने कहा साहब हम लोग को नंबर भी बहुत कम मिलता। तो बोले कि अरे नहीं नहीं बच्चों तुम इम्तहान दो नंबर ठीक मिलेगा। तो उस बार सब 60 के ऊपर पा गए, नहीं तो ऑल थ्रू फर्स्ट क्लास मेरे बैच में ही मेरे भाई बहुत अच्छे जी, जी। और एमएससी में सेकंड डिवीजन लेके गए। तो जो मार्किंग होती थी और जो पढ़ाई होती थी, जो वेश परिवेश में जो दिशा निर्देश होते थे वो बड़े स्पष्ट होते थे, और वो एक वैल्यू वैल्यू बेस्ड। मुझे याद नहीं है कि किसी शिक्षक ने किसी बच्चे को एक नंबर काटा हो या एक नंबर किसी याद दिया। तो सेमेस्टर सिस्टम हमने अडॉप्ट तो कर लिया जी, पर क्या वो वैल्यू है, वो वैल्यू बेस्ड टीचिंग है, वैल्यू बेस्ड मार्किंग है, नहीं तो शिक्षा जो है वो तो फिर तबाह होगी। बिल्कुल, तो उस दिशा में कोई और करे चाहे ना करे, मालवीय मंदिर को तो मालवीय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज मालवीय टेम्पल ऑफ इंटरनेशनल लर्निंग जी, तो ये मालवीय मंदिर जो पूरे विश्व की विद्याओं का जो जिसमें भरा है जहां मिला है, तो यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है इस, और कहीं आए तो मुझे चिंता नहीं होती। यहाँ के छात्र को अगर मैं देखता हूं कि अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र जो है उस पर नहीं खरा उतरता है तो मुझे कष्ट होता, पर मैं इस बात की मेरे को खुशी है कि जब मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूं तो मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति होती है कि यह विश्वविद्यालय की अपनी गौरवशाली परंपरा जब थी है और भगवान करेंगे आगे भी बनी रहे। लेकिन सर मालवीय जी कल्पना विश्व में आगे सबसे ऊंचे पायदान पर होने की थी, जो मालवीय जी की कल्पना थी कि प्रतीत और प्राची का मिलन हो और इसमें हमारे देश प्रेम हमारा मिश्रा जी कविता भी लिखता हूँ, तो मैंने कविता लिखी थी जी। सूर्य किरण सी सीधी रेखा पूरब जागे पश्चिम जाग भागे विधि विडंबना कैसी तेरी उन्नति से अवनति हो जाए,
देखा रूप सलोना नायब कितना विकट भयावह लगता है, आया तो सीधा साधा ये टेढ़ा रूप समझ ना पाए। तो जो पूर्व पूर्व की पश्चिम की सभ्यता से मिलन की बात थी, अरे भाई आपके टेनेंट्स अलग हैं, आपके वैल्यूज अलग हैं, आपके मान और मापदंड अलग हैं, तो आप जो है उसके हिसाब से अपना विकास करेंगे कि आप जो है कॉपी करेंगे। अब जैसे होम साइंस को ले, एक दिन मैं बैठा बैठा था, बीसी रहने पे तो काम बड़ा कम रहता है, मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं किसी को कर रहा हूं, लेकिन मैं जितना काम करता हूं उसके हिसाब से बहुत, तो बैठे बैठे मैं सारा पढ़ लेता था। तो होम साइंस का मैंने सिलेबस जो है पढ़ा, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो मैंने डीन को फोन किया कि मैडम आप आइए, तो आए, तो मैंने उनसे पूछा कि होम साइंस में ड्रॉप आउट परसेंटेज कंट्री की ऑलमोस्ट 40% पर चली गई है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग, क्योंकि ये सिलेबस और उसके साथ जो रेफरेंसेस थे, मोर देन 85% रेफरेंसेस जो हैं वो फॉरेन के थे। मैं बोला हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से लेके और उसका होम साइंस भारतवर्ष के होम साइंस से चलेगा? तो ये बदलिए। अब बदलने पर क्या हुआ कि होम साइंस बदल के कम्युनिटी साइंस, यार नामकरण संस्कार बहुत हो जाता है। अरे नाम में क्या रखा है यार, काम ठीक होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो उसका कंटेंट और कलेवर, कंटेंट और कलेवर को जब तक आप समसामयिक नहीं बनाएंगे, तब तक जो है उसकी उपयोगिता और उपादेयता नहीं बढ़ेगी। तो उस कंटेंट और कलेवर को आपको समसाम, और इसके लिए आपको जागृत रहना पड़ेगा। इसीलिए विवेकानंद लोग कहते ना उठिस्त जागृत बड़ा अनुभूत। विवेकानंद ने क्या कहा यार, उठिस्त जागृत, यार उठ गया तो मिश्रा जी ये बताओ जागा है कि नहीं, पर लिखा उठो जागो, मतलब उठने के बाद इसको ज्ञान को जगाओ जी। अब यहां होता है उठो और भागो, भाग दौड़ जो आपाधापी, जो तथा कथित जो व्यवस्थाएं हैं, मालवीय जी की जो परिकल्पना थी, जो सोच थी संभवतः, वो जो है आज का मॉडर्न मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दिन दूना रात चौगुना उसमें चला जा रहा है। और इस आपाधापी में जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन था, जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम थे, जो वैल्यू बेस्ड जो है हमारी समाज और संस्थाएं थी, वो टूटती जा रही है। बिल्कुल, तो हमें वैल्यू बेस्ड जो है एजुकेशन को लाना ही पड़ेगा। और ये वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है प्राइमरी से शुरू होती है, सबसे पहले तो ये एजुकेशन घर में शुरू होती है। घर में समस्याएं शुरू हो गई, आप देख रहे हो कि घर का खान पान रहन सहन बात व्यवहार विचार आप देखोगे आमूल पदर। तो ये जो भाग हम रहे हैं पास, हम अपने हिसाब से उसको समसामयिक नहीं कर रहे, तो हमें करना चाहिए। और एजुकेशन में पॉलिसी आई, बड़ी अच्छी पॉलिसी है, पर मेरी समस्या अच्छी पॉलिसी है यार, डॉक्यूमेंट कौन सा हिंदुस्तान में खराब होता है, सब डॉक्यूमेंट ठीक ही होते हैं, पर उसका अगर छिद्रा विश्लेषण करो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, सारी की सारी समस्याएं जो है आके उभर जाती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप ठीक नहीं करेंगे, तो ये सारी की सारी जो पॉलिसी जब तक पर्सपेक्टिव में नहीं जाएगी, तब तक ये इक्विटी में कन्वर्ट कैसे होगी। तो हमारे छात्र भाइयों, आपने देखा कि हमारे एक से एक बड़ी विभूतियां हैं, और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहने के कितने लाभ हैं। इसलिए आप लोग अपने अंदर झांकिए और अपने कोर्स तक ही सीमित न रहे। विभिन्न संकाय, विभिन्न संस्थान जो हमारे विश्वविद्यालय में मालवीय जी की परिकल्पना है, उससे आप इंटरैक्ट करें, उससे आप जाएं और समझें, और विभिन्न विद्वानों से आप आपस में मेल जोल बढ़ाएं। केवल अपने विषय की जानकारी ही केवल एकमात्र मालवीय जी का उद्देश्य नहीं था। मालवीय जी ने इसीलिए तमाम सभी तरह के विषयों की संस्थानों की स्थापनाएं की। सर, आप इस कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया, हम इसके अत्यंत आभारी हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। कैसे आप थोड़े सोचे थे कि वीके मिश्रा यहाँ आ जाएंगे। ओके, इन्होंने हमसे कल परसों कहा, हमने तुरंत तैयार हो गए जी। अब देखिए, अब वो आज अभी जो है इस समय चल रहा होगा वो लेक्चर जो है IRI का। अच्छा,
और आज ही आपका जो है ये इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में था, लेकिन मेरे लिए जो है छात्र एसोसिएट के पंथ रैलों में था, तो ए फोर स्थापित किया था। तो मेरे लिए ये छात्रों का जुड़ना इंस्टीट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन से जो हमारा मार्गदर्शन हुआ है। निश्चित तौर पर ऐसा विश्वास है कि यहाँ से भावी भविष्य की मार्ग प्रशस्ति के तमाम राहें प्रस्फुटित होंगी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी पूरा छात्र प्रकोष्ठ की चेयरपर्सन प्रोफेसर सुशीला सिंह मैम, अनवरत तब से हमारे साथ बनी रही। मैं मैम से निवेदन करता हूँ कि अनुभवों और उन स्मृतियों के साथ इस कार्यक्रम के समापन की और आज के व्याख्यान श्रृंखला के समापन की हेतु आप अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। धन्यवाद वीरेन जी, मैं तो बिल्कुल इसको कहते हैं कि स्पेल बाउंड होकर सर को सुन रही थी, और एक ऐसा साहसी व्यक्तित्व ज्ञान के मार्ग पर, और जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए किस प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए और विश्वविद्यालय के प्रांगण में बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के प्रांगण में मंदिर में बैठ के जो एक एवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई सर, जो एवोल्यूशन ऑफ द सेल्फ की बात श्री अरविंदो करते हैं, जो मुझे एक इतना आनंद आ रहा था, उन्होंने कहा अपने अंदर देखो तो अंतर मन की बात सुनो, उन्होंने कहा सही और गलत क्या होता है वो हर व्यक्ति स्वयं जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्गदर्शन, उन्होंने कहा कि विश्वास से ही शक्ति की ओर जो है वो छात्र बढ़ सकते हैं, और आज के समसामयिकी की बात उन्होंने की। आज क्या हमेशा ही विश्वविद्यालय में महामना के की कल्पना में छात्र ही रहा है केंद्र में? अभी जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र सर आप कर रहे थे, उसमें छात्र केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक हमेशा यही रहा, और कुछ बातें ऐसी कहीं जो मंत्र के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए, हमारे युवा छात्र छात्राओं को ग्रहण करना चाहिए, हमारे शिक्षकों जो युवा शिक्षक हैं उनका मार्गदर्शन होता है। आपने कहा कि एनी इंस्टीट्यूशन इज नोन बाई इट्स स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी स्टाफ, स्टाफ में सारे लोग आ जाते हैं टीचर्स के साथ, और एक टेक्नोलॉजी का जमाना है जो एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन है सर, उसका आपने जिक्र किया, और किस तरह से क्रिटिकल माइंड से उसको ग्रहण करना है, उन्होंने कहा वो इंफॉर्मेशन अगर ज्ञान में परिवर्तित न हुआ तो बड़ा खतरा है, क्योंकि वो वही रह जाता है। और जो ऐसी पहचान जिसको कहते हैं ना कि आज की क्या जरूरत है, तो रिसर्च के नाम पर मैं नहीं कहूंगी सर, क्योंकि मैं तो कला की विद्यार्थी रही हूँ, जीवन पर्यंत साहित्य ही रहा, पर साहित्य का जुड़ाव सभी से होता है। और आपने जो एक बात कही कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो बड़ा घातक है, जो सुपर स्पेशलिटी के यूनिट्स बन गए
कहीं विभागों में टुकड़े टुकड़े हुए कि जितने टुकड़े होंगे उतने हेड होंगे, सर माफ कीजिएगा कहने के लिए। मुझे याद आता है जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे 60s के दशक में, 63-65 की बात कर रही हूँ, तो कला संकाय में ही सारे विषय समाहित थे। आज भाषाएं तो वहाँ रह गई हैं, कुछ विभाग हैं, और एक दौर आया जिसमें 5 विषय उनको सोशल साइंस करके अलग कर दिया गया, ह्यूमैनिटीज का एक विभाजन हो गया सर। तो ये तो मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। उसमें अब शिक्षा नीति में आई है कि भाई क्रेडिट पर है और छात्र किसी भी डिसिप्लिन का हो, साइंस का हो, तो वो वोकल म्यूजिक भी ले सकता है। मुझे याद है बहुत से छात्र होते थे जो विज्ञान के छात्र होते थे, लेकिन वहीं जब ओंकारनाथ ठाकुर जी का गायन होता था उसको वो जरूर अटेंड करते थे और क्लासेस करते थे। शाम की क्लासेस इसीलिए म्यूजिक में होती थी कि पूरे विश्वविद्यालय के लोग उससे जुड़ पाएं। तो जिस अलाइनमेंट की बात आपने की है सर, ये तो जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिसी मेकर से, आपने कहा कोई पॉलिसी खराब नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे कठिन दौर होता है, और अगर वो विचार में न बदला, अगर पर्सपेक्टिव में न बदला, तो पॉलिसीज का कोई महत्व नहीं होता है। और हमारे ऐसे विद्वान वक्ता, आपको सुन के इतना आनंद आ रहा था कि मैं ऐसे लग रहा था मैं किसी कवि को सुन रही हूँ, और आपने उस इतनी सुंदर कविता जो सूर्य किरण की सीधी रेखा, क्या सुंदर कविता सर आपकी, और कविताएं हैं आप साझा कीजिएगा। हम धीरेन्द्र जी से आग्रह करेंगे कि वो उसको लेकर अलुमनाई सेल में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उससे माध्यम से भी, और हार्ड कॉपी भी हम लोग उसको कुछ कविताएं संजो कर रख पाए, हमारी ये थाती होगी। मैं कहना नहीं चाहती, आपने विवेकानंद जी का जिक्र किया, आज सही में वो जागृति का ही समय है कि मेहनत करिए और ज्ञान को जगाने की जरूरत है। मैं आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी आपको, और बहुत ही दिल के पास थे, गाजीपुर से बड़ा लगाव है, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, यही पूरा का पूरा गांव के परिवेश से आते हुए। मैंने कभी कई बार धीरेन्द्र जी से कहा कि अपने परिवार से, मैं पहली ग्रेजुएट हूँ जौनपुर से, हमारे गांव से, क्योंकि हमारे पिताजी क्योंकि शहर में थे, और हमारी माता जी की वजह से पहले तो ये था कि लड़कियों को सर जानते हैं स्कूल भेजते नहीं थे, हमारी माता जी एक जमींदार परिवार से आती थी, उनको स्कूल नहीं भेजा गया, इसको अपमान मानते थे लड़कियों को स्कूल भेजना, तो अपने आप से ही उन्होंने शिक्षित अपने को किया था। बहुत ही आनंद आया सर, मैं बिल्कुल शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपका धन्यवाद ज्ञापन करूं कि आपने आज हमारे विश्वविद्यालय के परिवार से जुड़कर छात्र छात्राओं को, हमारे शिक्षकों का जिस प्रकार उद्बोधन किया है वो अद्भुत है, शब्द नहीं है। और प्रोफेसर मिश्रा साहब को भी कि किस प्रकार एक आज गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं, बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मैं धीरेन्द्र जी को मैंने कहा कि पत्र मिला नहीं, 10 मिनट के अंदर सर का एक्सेप्टेंस आ गया, मैं पर्सनली फोन करके धन्यवाद करना चाह रही थी कि ऐसे अद्भुत सरल महान व्यक्तित्व विश्वविद्यालय की देन है, महामना के इस उनका जो सपना है उसको आगे एक अम्बेसडर के रूप में आप मार्गदर्शित कर रहे हैं, यही संदेश हमारे छात्र छात्राओं को जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद,
किरण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार मैम, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मैम, बहुत आभार और बहुत आभार प्रोफेसर वी के मिश्रा सर।